ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी सब लोग आ जाओ, फिर शुरू करें हम लोग क्लास। हाय सर, हाय द्रक्षा। चलो शुरू करते हैं क्लास, शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। सब लोग आ गए? ओके, सब लोग आना जल्दी से, टाइम पे करो यार, टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर का रिजल्ट अच्छा रहा। ठीक, चलो शुरू करते हम लोग पास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं, अब सब लोग आ गए होंगे। ओके, चलिए पढ़ के आओ सब लोग, कुछ तो पहले से पढ़ के आओगे। चलो तुम लोग आज फिनिश करेंगे, ठीक है? तो रेडी हो जाओ क्लास के लिए। ओके, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं अपना नाम बता दे जल्दी जल्दी, अपना नाम बता दो फटाफट से। जो भी डाउट होगा आराम से पूछना, ठीक है? जो भी डाउट होगा पूछते रहना आराम से, तो मना नहीं करूँगा। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन, और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कल क्लास को। चलिए, वेलकम पूजा, वेलकम सानिया। एनसीईआरटी एनसीईआरटी आ गया आपके पेज पे, देख लो। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम लोग फिनिश भी करेंगे और न्यू चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है? कोशिश तो यही होगी। वैसे बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स इसमें हैं, बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक भी हम लोगों को करना है, तो देखो कहाँ तक कर पाते हैं। चलो, तो कल हम लोगों ने पैंक्रियाज तक डाइजेशन को पढ़ लिया था, ठीक है? नौ देखते हैं आगे। तो देखो, यहाँ पर हम लोगों ने पैंक्रियाज के डाइजेशन को पढ़ लिया था, हम लोग अब आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों? और जो भी मिसलेनियस पॉइंट्स होंगे मैं ऐड कर दूंगा। कल वाले क्लास में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, होगा डाउट तो बिल्कुल पूछना, और क्वेश्चन बैंक कर लेना एक बार जाके, कोई भी 30 ईयर्स का नीट का कर लेना, दैट सफिशियंट। चलो शुरू करते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने, इन ब्रीफ में बता देता हूँ, हम लोगों ने डाइजेशन, सबको गुड इवनिंग, हम लोगों ने पैंक्रेटिक जूस का पढ़ लिया। पैंक्रेटिक जूस से क्या क्या डाइजेशन होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस को पढ़ने से पहले हम लोग को पता चलना चाहिए कि इंटेस्टाइन का जूस बनता कैसे। तो देखो क्या बोला था, ये इंटेस्टाइन के अंदर वी हैव गॉट व्हाट, वी हैव गॉट विलाई, एंड विलाई के ऊपर ये सपोज करो, विलाई का ये बच्चों म्यूकोसल एपिथेलियम है, ये म्यूकोसल एपिथेलियम है, ठीक है? चलो, तो विलाई के म्यूकोसल एपिथेलियम में वी हैव गॉट समथिंग, क्या पता है? वी हैव गॉट समथिंग दैट इज कॉल्ड गॉबलेट सेल्स, ठीक है बच्चों? हाँ, तो ये गॉबलेट सेल्स है। अच्छा, एक नीट एक आंसर दो मेरे क्वेश्चन का, देखते हैं किसका आता है, बताओ। स्टोमिक के अंदर म्यूकस किस सेल से आता था, स्टोमिक के अंदर म्यूकस किस सेल से आया था? तो जब तक आंसर दोगे तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो वी हैव गॉट, ये रेड रेड दिख रहा है, ये गॉबलेट सेल्स है, ठीक है? तो ये गॉबलेट सेल हो गया। इसके अलावा क्या था बताओ, ये बोला था ये विलाई है, और विलाई के ऊपर क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे माइक्रो विलाई होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो विलाई होते हैं, ठीक है? तो दिस विलाई एंड दिस माइक्रो विलाई, दिस इज माइक्रो विलाई एंड दिस इज विलाई,
दिस टुगेदर गिव अपीयरेंस, एक अपीयरेंस दिखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस अपीयरेंस को हम लोग बोलते हैं ब्रस बॉर्डर अपीयरेंस। तो इस अपीयरेंस को हम लोग बोलते हैं, वेलकम शंभु, ब्रस बॉर्डर अपीयरेंस। ठीक है, ब्रस बॉर्डर अपीयरेंस क्यों हो रहा है, बिल्ली और विलाई और माइक्रो विलाई के कारण ब्रस बॉर्डर अपीयरेंस हो रहा है। और गड्ढा को क्या बोलते हैं, बता दूंगा क्रिप्ट ऑफ लिवर को, इसका सेल्स पढ़ा दिया था वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो, तो ये जो ब्रश वॉटर सेल्स है बच्चों, ये आपको बता दिया, अपीयरेंस को बोलते हैं। और इससे फायदा क्या होता है बताओ, इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये विलाई जो दिख रहा है आप लोग को, ठीक है बच्चों, ये माइक्रो विलाई दिख रहा है, वेरी गुड। तो विलाई हो गया, माइक्रो विलाई हो गया। और बच्चों एक पॉइंट और याद कर लेना है, पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना होगा, विलाई हो गया, स्मॉल विलाई हो गया, सॉरी माइक्रो विलाई हो गया। उसके बाद रखना बच्चों ग्रेटर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई ज्यादा होता है। वेलकम साइमा, ठीक है। और याद रखना बच्चों, प्लस प्रेजेंस ऑफ डीप फोल्ड। अच्छा मेरा कैमरा ऑफ है तो बोलना चाहिए था तुम लोगों को, एक सेकंड में ऑन कर लेता हूँ। ओके ऑन हो गया होगा, मैं इसको ऊपर कर दूं। चलो तो प्रेजेंस ऑफ डीप फोल्ड लिखो इन म्यूकोसा, तो म्यूकोसा के अंदर बच्चों कुछ डीप फोल्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका नाम लिख लो कॉल्ड, ये सब अच्छे रैंक के लिए, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए नेट में। कॉल्ड लिखो प्लाइसे सर्कुलरी, ठीक है। अगला लिखो वल्वुलर कॉन्वेंटी, ठीक है, और वल्व्स और कर्करिंग, ठीक है। तो ये बोलोगे क्या है, तो ये क्या है तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बस बताने वाला हूँ कि क्या आपके नीट में आएगा। तो देखो बच्चों आपको बताना चाहिए, आपको क्या बोला था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, डाइजेशन होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऐसा क्या खासियत है, वाई मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का तीन कारण है, ठीक है, क्या क्या कारण, देखो पहला है विलाई, एक दूसरा है माइक्रो विलाई, ठीक है, और याद रखना बच्चों तीसरा है ग्रेटर लेंथ, लेंथ ज्यादा होता है, जितना ज्यादा लेंथ होगा वेलकम वास्ता उतना ज्यादा क्या होगा एब्जॉर्प्शन होगा। और फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ डीप फोल्ड म्यूकोसा के लेयर में, बच्चों आपको डायरेक्टली याद रखना है, म्यूकोसा के लेयर में कुछ डीप फोल्ड होते हैं, इसका नाम है प्लाइके सर्कुलरी या वल्वुलर कॉन्वेंटी, ऐसी को हम लोग बोलते हैं वल्व्स और कर्करिंग। तो आपसे नीट में डायरेक्टली पूछेगा प्लाइसे सर्कुलरी वल्वुलर कॉन्वेंटी या वल्व कर्करिंग क्या है, पहला क्वेश्चन डीप फोल्ड ऑफ म्यूकोसा है, दूसरा इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, तो मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, विलाई के कारण, माइक्रो विलाई के कारण लेंथ ज्यादा होता है उस कारण से, और चौथा कुछ फोल्ड्स होते हैं जो कि आपके नाम दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आता है। चलो ये पॉइंट आपको आना चाहिए, ओके चलो हम लोग आगे देखते हैं, तो ये पॉइंट लिख लेना। तो अब देखो हम लोग क्या बोल रहे थे, इंटेस्टाइन का जूस कैसे बनता देख रहे थे, तो क्या बोले, देखो ये माइक्रोविला है सपोज करो मेरा, और ये गॉबलेट्स है, तो गॉबलेट सेल क्या रिलीज करता है, कोई आंसर नहीं दिया मेरे क्वेश्चन का, हम क्या पूछे यहाँ पर, स्टोमिक के अंदर म्यूकस कौन से रिलीज करता है, तुम लोग करते क्या हो यार, तुम लोग 12th पास आउट हो क्या करते हो, आंसर कोई नहीं दे रहे हो। चलो तो गॉबलेट सेल बच्चों म्यूकस सेक्रेट करता है, ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हो, देखो इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम, इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसल एपिथेलियम है के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं विच सीक्रेट्स म्यूकस, तो इसका म्यूकस और सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा। ये जो बच्चों ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं, ये जो बच्चों ब्रश बॉर्डर सेल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये जो बॉर्डर पर दिख रहे हैं, तो बच्चों इनके सेल्स, तो ब्रश बॉर्डर सेल्स और गॉबलेट सेल्स, इन दोनों सेल्स के सिक्रेशंस को मिला दोगे तो दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, दोनों के दोनों मिलाकर बनाते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकस एंटेरिकस। तो दोनों के दोनों जूस को हम लोग कलेक्टिव, वेरी गुड आंसर, म्यूकस। मैं पूछ रहा हूँ म्यूकस कौन सेल से निकलता है, म्यूकस कौन से सेल से निकलता है, चलो ठीक है बताओ आंसर। तो चलो, तो मैं बोल रहा था कि आप लोगों को दोनों के दोनों कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, दोनों के दोनों कलेक्टिवली बनाते हैं सकस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस, कौन कौन से बच्चों, ये नीट में क्वेश्चन डायरेक्टली आना चाहिए इस बार, ठीक है, नीट में क्वेश्चन फिर से आना चाहिए, इस साल भी पूछता है और हर साल पूछता है घुमा फिरा के कि सकस एंटेरिकस का पार्ट क्या नहीं है, क्या नहीं है, ठीक, कुछ कुछ पूछता है। एक सेकंड, चलो मैं चाय पी लिया, ओके कोई आंसर नहीं दिया तो मैं दे देता हूँ आंसर। तो स्टोमिक के अंदर म्यूकस कहां से निकलता था, फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनी, कौन सा, म्यूकस नेक सेल, ओके चलो गलत आंसर, गॉबलेट सेल नहीं बाबू, गॉबलेट सेल ही, गॉबलेट सेल पेट में नहीं होता है, हाँ गॉबलेट सेल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, जस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको लग रहा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, देखो म्यूकस नेक सेल, दिखा, यही बोलते हैं ना, यही गलती करते हो, म्यूकस नेक सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस। तो स्टोमिक के अंदर म्यूकस कौन निकलता है, म्यूकस नेक सेल, और इंटेस्टाइन के अंदर कौन निकलता है, गॉबलेट सेल, तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। तो क्या हो गया आपको, अल्टीमेटली समझ में आ गया, अल्टीमेटली क्या समझ में हम लोग आया कि बेसिकली इंटेस्टाइनल जूस कैसे बनता है, इंटेस्टाइनल जूस बनता है सक्कस एंट्रिकस, वेलकम अनीसा, सब लोगों का वेलकम है। तो सक्कस एंट्रिकस कैसे बनता है, ब्रश बॉर्डर सेल्स और गॉबलेट सेल्स के सिक्रेशंस को मिला के, ठीक है, ये वाला बच्चों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लोगे कैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, इस पॉइंट को आराम से बैक, जो बच्चे लेट से हैं वो सुन लेना और इसको नोट कर लेना, प्लीज मजाक मत लेना। चलो तो सिंपल था कॉन्सेप्ट बच्चों, सक्कस एंट्रिकस मेरा बन गया, सक्कस एंट्रिकस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं,
उसका याद करने का तरीका क्या है बच्चों, याद रखना DDLNJ, दिलवाले दुल्हनिया ले नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन ठीक से सुने नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो वेलकम सभी लोग। तो बच्चों उसका ट्रिक है DDLNJ, DDLNJ में डी फॉर बच्चों, डी फॉर डाइसेक्राइडेज, तो मैं लिखूंगा नहीं, सबको लिखा हुआ एनसीईआरटी में। अगला डी फॉर डाइपेप्टाइडेज, अगला एल फॉर लाइपेजेस, अगला एस एन फॉर न्यूक्लियोसाइडेज, और जे का मतलब जूस। तो बच्चों ये तरीका है, आप लोग इस तरह से याद रख लोगे। ये सब मेरा ट्रिक खुद का बनाया हुआ है, जो कि मैंने खुद अपने टाइम में स्टार्ट बनाया था या खुद मैं पढ़ाने के टाइम में सीखाऊँ। चलो तो बच्चों डाइसेक्राइडेज कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं है, आप कहीं भी इंडिया में ढूंढ लोगे ये नहीं मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो बच्चों डाइसेक्राइडेज की बात करेंगे, क्या करेगा, डाइसेक्राइड्स को तोड़ेगा। तो बताया था आप लोगों ने कितनी डाइसेक्राइड हमारे सिलेबस में, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, तीन ही दे रखा है, तो तीनों को अपन देखेंगे। डाइपेप्टाइडेज क्या करेगा बच्चों, डाइपेप्टाइडेज पेप्टाइड्स को तोड़ेगा, जो आपके एमिनो एसिड से पहले के जो स्टेज है उसको तोड़ेगा। लाइपेजेस फैट को तोड़ेगा। न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा, अब हम लोग देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो बच्चों ये सब आपके एंजाइम्स हो गए, ओके, कोई दिक्कत नहीं आता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये जो बच्चों एन है, ये एन दो है, क्या क्या बताओ, एक है आपका न्यूक्लियोसाइडेज और एक क्या बच्चों आप लोग का, ठीक है, एक बच्चों क्या आप लोग का न्यूक्लियोटाइडेज है, एक है मेरा न्यूक्लियोटाइडेज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो तो एक न्यूक्लियोसाइडेज और एक न्यूक्लियोटाइडेज है, दोनों एन जान लोगे और जे फॉर जूस है। चलो हम लोग दोनों के एक्शंस को देख लेते हैं ना बच्चों। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। होता क्या, देखो आपका जो फूड स्टोमिक से आएगा तो क्या होगा, स्टोमिक के अंदर वी हैव गॉट HCl, तो HCl से क्या होगा, फूड में आग लगा रहेगा, टू बी क्लियर, मतलब देहाती भाषा में आग लगा रहेगा। तो बेसिकली क्या होगा, फूड अगर डायरेक्टली आपके ड्यूडेनम में आएगा तो ड्यूडेनम जल सकता है, किस चीज से, HCl वाले फूड, एसिडिक फूड से, जो आपका काइम है वो काइम क्या है, एसिडिक है, ठीक है, हाँ न्यूक्लियोटाइडेज, सही बोल रहे हो। चलो तो बच्चों वो जला सकता है, तो क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, होता क्या है, ये जो पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज से क्या निकलता है, पैंक्रियाज से निकलता है बाइकार्बोनेट आयन, तो दिस बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम द पैंक्रियाज, ठीक है। और साथ साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो साथ साथ ये जो म्यूकस है इंटेस्टाइन के अंदर, जो म्यूकस का लेयर होगा, तो ये म्यूकस का लेयर अलोंग विथ बाइकार्बोनेट, ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके इंटेस्टाइन को बचा रहा है, किस चीज से, इंटेस्टाइन को बचा रहा है फ्रॉम द एसिडिक फूड कमिंग। तो देखो म्यूकस अलोंग विथ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैंक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एल्वेजल। और दूसरा काम क्या कर रहा है, देखो पहली बात तो ये एसिडिक फूड से जलने से बचा रहा है, और दूसरी बात क्या कर रहा है, साथ साथ प्रोवाइड कर रहा है एक अल्कलाइन मीडियम, कितना, pH 7.8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना बच्चों सक्कस एंट्रिकस का, सक्कस एंट्रिकस के एंजाइम्स का बेस्ट एक्टिविटी कितना है, pH 7.8 पे है। और ये कैसे अचीव होता है, ये अचीव होता है हम लोगों का इस अल्कलाइन मीडियम से, कैसे अल्कलाइन मीडियम आया, बाइकार्बोनेट आयन और म्यूकस मिलके दिया। तो देखो मैं नीट में अभी तक तीनों जो वैल्यू आया मैं तीनों एक साथ लिख देता हूँ। तो क्या बोला मैं बताओ, सबसे पहले 6.8 आया, फिर कितना आया, 1.8 आया, फिर कितना आया बच्चों, 7.8। तो ट्रिक क्या करना है, देखो 6 1 7 6 1 7 होता है 8 8 8, ठीक है, दो दिन बार बोलोगे याद हो जाएगा। तो 6 1 7 8 8 8, 6 6.8 किसका था, सैलिवरी एमाइलेज का था, 1.8 किसका था बताओ, पेप्सिन का बेस्ट एक्टिविटी का था, और 7.8 किसका बताओ, इंटेस्टिनल जूस का है। तो बच्चों ये आपको ट्रिक याद रखना होगा। तो ये बच्चों पीएच का कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको आना चाहिए। तो मैं कलेक्टिवली एक साथ लिख दिया हूँ, तो ऊपर से नीचे जब जाओगे तो 6 1 7 8 8 8 बोलोगे और ये बेस्ट पीएच है, ठीक है। नाउ सब म्यूकोसल ग्लैंड, आपको बताया था सब म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, और ब्रूनर्स ग्लैंड कहीं ना कहीं इसमें हेल्प करता है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना होगा, देखो ब्रूनर्स ग्लैंड का सारा फंक्शन एक जगह लिख लो, हाँ वेरी गुड आंसर गौरव, सिक्रेटिंग करता है, मैं पढ़ाऊंगा ब्रूनर्स ग्लैंड, सब पढ़ाऊंगा। ब्रूनर्स ग्लैंड हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड बच्चों याद रखना, ब्रूनर्स ग्लैंड रिलीज करता है एक अल्कलाइन फ्लूड, तो बच्चों एक अल्कलाइन फ्लूड रिलीज करता है, पहला पॉइंट तो ये। और याद रखना बच्चों ब्रूनर्स ग्लैंड दो हार्मोन निकालता है, लिख लो कौन कौन सा, सेक्रेटिन और कोलियोसिस्टोकाइनिन, कोलियोसिस्टोकाइनिन। तो बच्चों स्टार लगाना इसमें, ठीक है, नीट में आना चाहिए क्वेश्चन, ब्रूनर्स ग्लैंड के हार्मोन्स का नाम, ठीक है। तो सेक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टोकाइनिन, तो इसको आप याद रखना बीएससी से, ठीक है, बीएससी से याद रख लेना, बी फॉर ब्रूनर्स ग्लैंड, एस फॉर सेक्रेटिनिन एंड सी फॉर कोलियोसिस्टोकाइनिन, क्योंकि आप एग्जाम में भूल जाओगे, बट आप बीएससी कर रहे होगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो मेरे क्लास देख रहे हो वो बीएससी में एडमिशन ले चुके होंगे, तो गलती नहीं करोगे। तो अल्कलाइन फ्लूइड के अलावा वो सेक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टोकाइनिन निकालता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसका डाइजेशन देख लेते हैं, तो सिंपल द कॉन्सेप्ट है। अब क्या होगा, देखो अल्टीमेटली जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया था वो क्या होगा, अब फाइनली सक्कस एंट्रिकस के एंजाइम से डाइजेस्ट होगा, ठीक है, सक्कस एंट्रिकस के एंजाइम से वो डाइजेस्ट होगा। तो देखते हैं एंजाइम्स ऑफ सक्कस एंट्रिकस क्या करेगा, ये अंतिम में एक्ट करेगा एंड प्रोडक्ट्स पे, कौन से एंड प्रोडक्ट्स पे, पैंक्रियाज से जो ऊपर बना था, पैंक्रियाज वाला क्या बना था, आई थिंक आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं इन शॉर्ट आपको दिखा देता हूँ, टाइम है हमारे पास, इनफ टाइम है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो पैंक्रियाज से हम लोग पास क्या क्या बन गया था, तो बच्चों समझो प्लीज, देखो डाइपेप्टाइड हमारे पास आ गया है, डाइपेप्टाइड को आगे तोड़ना है, डाइसेक्राइड आ गया है, इसको आगे तोड़ना है, मोनोग्लिसराइड आ गया है और डाइग्लिसराइड भी आ गया है, और देखो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बच्चों आ गया है और कुछ कुछ न्यूक्लियोसाइड्स भी आ गया है। तो बच्चों ये सब हमारे क्या है, ये सब अब हमारे एज ए सब्स्ट्रेट काम करेंगे, ठीक है। तो ये सब एज ए सब्स्ट्रेट काम करेंगे किसके लिए, सक्कस एंट्रिकस के लिए।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो क्या होगा, ये सब चीज को माइंड में रखना, और अब ये सब चीज को माइंड में रखे हम लोग फाइनली देखेंगे सक्कस एंटेरिकस के डाइजेशन के स्टेप्स को। तो देखो यहाँ पर सक्कस एंटेरिकस के डाइजेशन के स्टेप्स कैसे हो रहे हैं, तो आपको क्या बोला मैं, डी डी एल एन जी से याद रख लोगे, तो डी फॉर डाइपेप्टाइडेज। तो डाइपेप्टाइडेज क्या कर रहा है, डाइपेप्टाइड्स को तोड़ रहा है किसमें, एमिनो एसिड में। मैं एमिनो एसिड का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता चुका था, कहाँ पर, एंटीबॉडी बनाने में बताया था ना, एमिनो एसिड कैसे बनता है, बॉन्ड कौन सा बनता है, तो वहां से आप लोग देख लेना, मैं दोबारा बता नहीं पाऊंगा टाइम नहीं है। तो डाइपेप्टाइड्स टूटता है बच्चों किसमें, एमिनो एसिड में। बच्चों एक और ध्यान रख लेना, डाइपेप्टाइडेज के अलावा एक एंजाइम होता है इरेप्सिन नाम का, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, ये सब अच्छे रैंक के लिए है। इरेप्सिन होता है, इरेप्सिन का भी काम होता है बच्चों याद रखना प्रोटीन डाइजेशन, तो इरेप्सिन भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रख लो, रख सकते हो रख लो ना। अगला बच्चों माल्टोज, तो माल्टोज पे क्या होगा, माल्टोज पे काम करेगा क्या, माल्टेज, और बनाएगा क्या, 2-अल्फा-डी-ग्लूकोज, 2-अल्फा-डी-ग्लूकोज बनता है, ठीक है। हाँ, तो माल्टोज बना हुआ दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज रिलीज होगा, ठीक है। चलो लैक्टोज टूटेगा किससे, गैलेक्टेज से, और बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। नाउ सुक्रोज टूटेगा सुक्रेज से, किससे, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, ठीक है। तो बच्चों इसका भी आपको पता होना चाहिए, सुक्रोज के बारे में क्या पता होगा, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये बेसिकली रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, आप लोग बायोमोलिक्यूल से पढ़े होंगे रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाउ ये जो बच्चों सुक्रेज है, सुक्रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्रेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्टेज, इनवर्टेज बोलते हैं, ठीक है, तो सुक्रेज को इनवर्टेज भी बोलते हैं याद रखना। ना सुक्रोज को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, ना फ्रुक्टोज इज कॉल्ड फ्रूट शुगर, फ्रुक्टोज इज कॉल्ड फ्रूट शुगर, ध्यान रख लोगे, ठीक है। चलो नाउ ये बच्चों आपको पॉइंट आना चाहिए था, इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, डेक्सो रोटेटरी से लेफो रोटेटरी या लेफो रोटेटरी से डेक्सो रोटेटरी हो जाता है, एक्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ केमिस्ट्री वाले टीचर को भी पता होगा चीज, तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, या तो वो डी से एल हो जाता है या तो एल से डी हो जाता है, ओवरऑल लाइट का पोलराइजेशन, ठीक है। एक्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, बायोमोलिक्यूल्स वाले केमिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे चीज को बेटर, ठीक है। चलो आगे आते हैं, नाउ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स बच्चों क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स से टूटेगा किसमें, न्यूक्लियोसाइड्स में, और न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स से टूटेगा किसमें, सुगर प्लस बेसिस में। तो कल ऑलरेडी मैं स्ट्रक्चर बता चुका था, सुगर प्लस फॉस्फेट, सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, और इसमें तुम एक फॉस्फेट लगा दो, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से बच्चों ये ब्रेक होता है और अल्टीमेटली सुगर और बेसिस बन गए, देखो सुगर और बेसिस अलग अलग हो गए। नाउ बच्चों अंतिम है डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड, इसमें क्या काम करेगा, इसमें काम करेगा लाइपेजेस, और क्या कन्वर्ट करेगा बताओ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अल्टीमेटली मेरा बन गया, दैट्स ओके। तो अल्टीमेटली हम लोग के पास देखो क्या हुआ, सारा चीज का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, मोनोसैकेराइड्स आ गए, वेरी गुड। तो अल्टीमेटली हम लोग के पास मोनोसैकेराइड आ गया, हमारे पास एमिनो एसिड आ गया बच्चों, हमारे पास सुगर और बेस आ गया, हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आ गया। तो अल्टीमेटली हम लोग के पास सब कुछ का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। नाउ दिस इज द ओवर ऑफ डाइजेशन, तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया। नाउ अगला क्या होगा बताओ, अगला होगा एब्जॉर्प्शन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बताया था आप लोग याद करो, ये म्यूकोसा का लेयर है, म्यूकोसा के नीचे क्या होता है, सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के अंदर क्या होता है, वी हैव गॉट ब्लड वेसल्स, वी हैव गॉट आर्टरी वेन कैपिलरीज, वी हैव गॉट नर्व एंड वी हैव गॉट लिम्फेटिक वेसल्स ऑल्टो। तो सब म्यूकोसा के अंदर हर चीज मिलता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ब्रेकडाउन हो गया, और इस ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा, ये ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, मेजरली ड्यूडेनम में। तो पहले बता दिया था क्या, याद रखना अगर नीट में क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, आंसर क्या जाएगा, ड्यूडेनम। अगला पूछेगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आंसर क्या जाएगा, जेजनम। या पूछेगा अगला मैक्सिमम विलाय कहाँ होता है, ये भी नोट करना बच्चों, मैक्सिमम विलाय भी जेजनम में होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जेजनम का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करवाना, तो मैक्सिमम विलाय भी जेजनम के अंदर होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी सिंपल सब्सटेंस बन गए वो सिंपल सब्सटेंस अब जाएंगे कहाँ पर, एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है, जेजनम और इलियम के अंदर। बट सबसे ज्यादा किसमें होता है, जेजनम में होता है, डाइजेशन मैक्सिमम ड्यूडेनम में होता है। चलो ठीक है, नाउ अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस जो बनेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाएगा। सिंपल द कॉन्सेप्ट आपको बताया था क्या, फीकल मैटर क्या है, फीकल मैटर इज नथिंग, फीकल मैटर इज अनडाइजेस्टेड प्लस अनएब्जॉर्ब्ड। तो जो भी हम लोग पचा नहीं पाते हैं या जो भी हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जैसे सपोज करो 100 ग्राम फूड को खाया और 100 ग्राम फूड में वो 80 ग्राम को डाइजेस्ट कर पाया और 20 ग्राम क्या हो गया मेरा, अनडाइजेस्टेड। नाउ 80 ग्राम जो डाइजेस्टेड हुआ इसमें वो 60 ग्राम को एब्जॉर्ब कर पाया, तो 20 ग्राम क्या हो गया मेरा, अनएब्जॉर्ब। तो ये जो 20 प्लस 20 है ये 40 क्या है, ये 40 ही फीकल मैटर है, ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, तो जो भी हम लोग पचा नहीं पाते हैं और जो भी हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं वही क्या है, फीकल मैटर है। तो ये क्वेश्चन अभी आपको आसान लग रहा होगा बट नीट में आपको फंसा सकता है, चलो तो इसको ध्यान रख लोगे। नो आगे आते हैं, नो बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मुकेश भैया। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं होता, तो इसके अंदर होता क्या, देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर। तो यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब होता क्यों, अगर हम लोग पानी को लॉस करने दे देंगे तो क्या होगा, हम लोग क्या है, हम लोग हैं यूरिकोटेलिक। तो बेसिकली हम लोग यूरिकोटेलिक है, तो हम लोग वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो पानी को हम लोग लेंगे आराम से, लॉस होने देंगे, हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल है। मिनरल्स का कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स याद रखना MG+2 एक इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सर्टेन ड्रग्स, कुछ दवाइयां होती हैं, दवाइयां आपको नहीं रखना, एक याद रख लो,
पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एक ही पूछेगा भी, अगर आपसे पूछेगा भी तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एक दवा है जो एब्जॉर्ब होता है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, पानी वानी होता है ठीक है, एमजी प्लस टू आयन होता है, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रख लोगे। नाउ सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, तो सिंपल सा काम है, इसका काम क्या है, म्यूकस को सिक्रेट करना ज्यादा से ज्यादा, और वो क्या करेगा, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स है, जो भी कचरा है, उसको क्या करेगा, सबको पार्टिकल को चिपकाएगा और उसको लुब्रिकेट करेगा, उसको गीला करेगा, सो दैट कि इजिली पैसेज हो सके फीकल मैटर का, आसान समझ सकते हो। नाउ अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड जो होगा, जिसको हम लोग फीकल मैटर बोलते हैं, देखो क्वेश्चन नीट में आना चाहिए, वो क्या होगा बच्चों, वो डायरेक्टली सीकम में जाएगा, और सीकम से कहाँ जाएगा बताओ, थ्रू द इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, दोबारा नहीं बता पाऊंगा, खाली बताया था, इलियोसिकल वाल्व का फंक्शन है कि वो बैक फ्लो को रोकेगा, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इलियम से सीकम के बीच में इलियोसिकल वाल्व होता है और ये कहीं ना कहीं बैक फ्लो को रोकता है। तो देखो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी तक हम लोग को क्या लगता था कि ब्लड वेसल्स के अंदर वाल्व होते हैं, वेन्स के अंदर वाल्व होते हैं, बट याद रखना इलियो क्या रेक्टम बोले, गौरव रेक्टम क्या बोले समझे नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो तुम रेक्टम, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों, ये आपका किया, नाउ इट इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टेम्पोरली रेक्टम में स्टोर होगा और ये डिफिकेशन तक के लिए स्टोर होगा। तो बच्चों याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, फीकल मैटर का टेम्पोरली स्टोरेज कहाँ होता है, ऑप्शन है रेक्टम या एनस, आंसर क्या जाएगा, रेक्टम जाएगा ठीक है। तो बच्चों याद रखना, रेक्टम में टेम्पोरली स्टोरेज होता है, ना कि एनस में, एनस के थ्रू बाहर निकलता है। चलो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, क्या लिखा हो, देखो एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो हम लोग के जो जीआईटी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसमें न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट। कैसे, आप पूछे ना सीकम से कहाँ जाएगा, हाँ सही है, सीकम से रेक्टम जाएगा। तो देखो बच्चों, हम लोग का जीआईटी ट्रैक्ट न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में भी, हार्मोनल कंट्रोल में क्या है दिखाऊंगा आपको मैं, हार्मोन दिखाऊंगा, न्यूरल कंट्रोल में कहीं कहीं ना है। कैसे, जैसे बात करेंगे सेलाइवेशन की, तो देखो बच्चों सेलाइवेशन की बात करेंगे तो इनफैक्ट खाने का सूंघना, खाने का सुनना, इनफैक्ट नाम, इनके फोटो देखना, बैनर को जब तुम देखोगे जोमेटो के या किसी भी मैकडी के या किसी भी पिज्जा हट में जाके, तो तुमको उससे भी सेलाइवेशन हो जाता है। तो बेसिकली तुम्हारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है वो चीज और तुम्हारे अंदर सेलाइवेशन होता है। तो कहीं ना कहीं जीआईटी के ट्रैक्ट का एक्टिविटी न्यूरल कंट्रोल में भी होता है। बात करेंगे सेलाइवेशन की, तो याद रखना बच्चों दो सिस्टम होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना बच्चों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या होगा, सेलाइवेशन डिक्रीज करेगा, और मेरे पास टाइम नहीं पूछने का, मैं पूछता हूँ इसे, मेरे पास टाइम नहीं, क्रैश कोर्स में पूछ नहीं सकता। बच्चों ध्यान रख लोगे, आपको पता होना चाहिए क्या, मैं वो ट्रिक बता देता हूँ, बॉडी के अंदर हर चीज सिंपैथेटिक बढ़ाता है, बॉडी के अंदर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन, जैसे कि आप एक सांप को देख लिए, तो एक रूम में अगर आप सांप को देखोगे या कुत्ता को देखोगे तो आपके बॉडी में जो जो चेंजेस आएंगे वो कौन से करवाएंगे, सिंपैथेटिक वाले करवाएंगे। क्लास चल रही है, कोई बताओ, मेरे फोन पे तो आ रहा है कि इट्स स्ट्रीमिंग लाइव, कोई कंफर्म करो यार क्लास ऑन है कि नहीं ऑन है। अब आ गया, चलो आ गया, वेरी गुड, तो कनेक्ट डिसकनेक्ट नहीं करना पड़ा, मेरे फोन पे तो आ रहा है, चलो थैंक्स गॉड। अरे वो कट गया था, लाइट कटता है ना तो वाईफाई वाला स्विच कर देता है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग फिर से वापस से। ओके यस सर, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग लाइव, कोई कंफर्म करो यार क्लास ऑन है कि नहीं ऑन। चलो चलो ठीक है, मैं सुन लिया खुद भी, क्लास ऑन है। आ गया, चलो आ गया, वेरी गुड, कनेक्ट डिसकनेक्ट नहीं करना। आगे देखते हैं हम लोग। ओके एनसीईआरटी आ रही है आपके स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर एनसीईआरटी आ रही है, कट गया था, लाइट कटता है ना तो वाईफाई वाला स्विच कर देता है। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके
एनसीईआरटी आ रही है। हाँ चलो ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि हम लोग का जो डीआईटी का ट्रैक है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली कहाँ गया, एक सेकंड। तो हम लोग का जो डीआईटी ट्रैक है बच्चों वो डिपेंडेंट है। ओके चलो हम लोग आ रहे हैं, चलो वेरी गुड। तो मैं बोला आप लोगों को कि हम लोग कनेक्टेड है। तो क्या बोला मैं कि दो नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और होता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अभी फिलहाल ध्यान रख लेना, डिटेल्स वगैरह मैं पढ़ाऊंगा इंडोक्राइन सॉरी नर्वस सिस्टम में। अभी ध्यान रखना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से सैलाइवेशन डिक्रीज करेगा और पैरासिंपैथेटिक से सैलाइवेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हम लोग का नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा है अपने बॉडी के अंदर जो हम लोग का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके मूवमेंट को, ठीक है। नाउ सिंपल द कॉन्सेप्ट देखो, साइट स्मेल प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी, ये भी क्या कर सकता है, ये भी सलाइवा के सीक्रेशंस को बढ़ा सकता है। तो देखो बच्चों, सलाइवा जो मैं बताया था तो सिंपल द कॉन्सेप्ट है ये, तो आई थिंक आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है, चिक के बिलो, बिलो चिक, ठीक है। अगला क्या था, सब मैंडुलर या सब मैग्जिलरी, ये कहाँ होता है, देखो ये होता है मैंडिबल और मैग्जिला के नीचे। और तीसरा क्या था, सब लिंगुअल, ये कहाँ होता है, जीव के नीचे। तो सिंपल था कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने डक्ट बताया था, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था, बट मैं पोजीशन बताना भूल गया था। तो बच्चों देख लेना, गले गाल के नीचे पैरोटिड ग्लैंड, मैंडिबल मैग्जिला के नीचे सब मैंडिबुलर या सब मैग्जिलरी ग्लैंड, और जीभ के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो चलो मैं आगे बता, अचानक से याद आ गया मेरे को। चलो तो सिंपल था कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नाउ गैस्ट्रिक द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। कल पढ़ा चुका हूं मैं, बोथ सो लोकल एंड सीएनएस, कल बता चुका था मैं आपको प्लेक्सस के बारे में। नाउ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन इज कैरीड आउट बाय लोकल हार्मोन्स। तो लोकल हार्मोन्स क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लोकल हार्मोन्स का एक मैं स्लाइड आपको दिखाऊंगा, आराम से उसको आप कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। चलो आते हैं आगे। नाउ अगला है बच्चों, ये जो नया टॉपिक रिसेंटली ऐड किया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कैंडिडेट में क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, तो देखते हैं। तो देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। दिस इज बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू दे रखा है आपको तीनों चीज का। तो सिंपल द कॉन्सेप्ट है, एक मशीन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर मशीन के अंदर अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हो, फिर अगले बार एक कार्बोहाइड्रेट लेते हो 1 ग्राम और प्रोटीन लेते हो, तो जब आप 1 ग्राम प्रोटीन या फैट या कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हो किसमें, बॉम्ब कैलोरीमीटर मशीन में, तो जो हीट रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू वही हो गया। तो डाटाज देखेंगे बच्चों, अगर हम लोग डाटाज की बात करेंगे तो कैलोरीफिक वैल्यू को डाटा को देख लो। तो कैलोरीफिक वैल्यू कितना है हमारा, देखो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है 4.1 किलो कैलोग्राम, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का 5.65 और फैट का 9.45। तो ट्रिक क्या बता दिया था मैं, देखो सी फॉर चार, तो कार्बोहाइड्रेट में चार लगा हुआ है, पी फॉर पांच, तो इसमें पांच लगा हुआ, और पांच और चार को जोड़ोगे तो क्या आएगा, नौ आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये ट्रिक होता है, तो इस तरह से याद रख लोगे। तो ये तो मेरे को समझ में आया क्या कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में इतना बनता है, बट पता प्रॉब्लम क्या है, इंसान के अंदर एक्चुअली में इतना हीट नहीं बनता है, ये मशीन के अंदर बनता है। तो जब इंसान के अंदर कोई इंसान 1 ग्राम फैट लेता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन लेता है, तो जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलिक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड फिजियोलिक वैल्यू। तो दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू कहाँ पर है, मशीन के अंदर है, और फिजियोलिक वैल्यू कहाँ है, इंसान के अंदर। तो इंसान के अंदर क्या डाटा, देखो चार इसका है, किसका, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का भी क्या है बच्चों, चार है, और फैट का कितना है, नौ है, ठीक है। तो फैट का कितना है, नौ है। तो सिंपल था कॉन्सेप्ट देखना बच्चों, ये क्वेश्चन नीट में आएगा। तो फिजियोलिक वैल्यू का ऑर्डर क्या हो गया बताओ, तो प्रोटीन इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और फैट सबसे ज्यादा है, तो फैट इज ग्रेटर देन प्रोटीन इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट, ये सिक्वेंस है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का कितना है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम फैट को लोगे तो आपकी बॉडी में 4 किलो कैलोरी एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो 1 कैलोरी कितना होता है, 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है। तो देखो नीट में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, एक आदमी है, वो आदमी 10 ग्राम प्रोटीन खा रहा है, ठीक है, 12 ग्राम फैट खा रहा है, और 6 ग्राम क्या बच गया, कार्बोहाइड्रेट खा रहा है। तो आपसे पूछेगा कि कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, कैलोरीफिक वैल्यू नहीं पूछेगा आपसे, फिजियोलिक वैल्यू पूछेगा। तो सिंपल था कॉन्सेप्ट देखो, 10 ग्राम प्रोटीन खा रहा, तो 10 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 4 से, 12 ग्राम फैट खा रहा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 9 से, और 6 ग्राम क्या खा रहा है वो, अबे क्या लिखे, कार्बोहाइड्रेट लिखे हैं, 6 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी तक फ्रेम नहीं हुआ है, और एक्सपेक्टेड है कि नीट 2020 में आ सकता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस तरह से कर लेना होगा। तो सिंपल था कॉन्सेप्ट बच्चों, बाकी जो चीज लिखे हुए हैं वो आपको खुद पढ़ना चाहिए। क्या होगा बताओ, 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, ये सब थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना जितना होता है, दैट इज मेजर्ड इन द कैलोरी और जूल, और 1 कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल होता है। तो बाकी ये सब चीज तो आप लोग खुद से कर लोगे। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर हम लोग करते हैं, और इसमें क्या करते हैं बच्चों,
क्लोज मेटेलिक चैम्बर होता है ऑक्सीजन से बढ़ा हुआ, जिसमें कि हम लोग ग्रॉस कैलोरीफिक या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणाम आशीष, प्रणाम। चलो ठीक है, सब लोग फटाफट से आ जाओ, क्लास करो बाबू। तुम लोग क्लास करो, देखो पहले ही बोलते तुम लोग हल्के में क्लास को ले रहे हो बहुत सारे बच्चे। मैं अभी तुमसे दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग नहीं बता पाओगे, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। मैं बायोटेक 2 पढ़ाया, उस दिन बहुत कम बच्चे थे, बट बायोटेक 2 का लेक्चर बहुत शानदार था, बिल्कुल करना। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो तुम लोग सुने भी नहीं होंगे, मैं आपसे लाइव पूछ सकता हूँ, आप लोग नहीं बता पाओगे। मैं लाइव डेमो दूं तो अगर पूछूंगा मैं कि फर्स्ट जीन थेरेपी जिस लड़की को किया उसका नाम क्या था, तो आप लोग नहीं बता पाओगे, जो बच्चे क्लास नहीं किए थे। मैं पूछूंगा क्रोमोजोम कौन सा होता है इंसुलिन जीन का, आप लोग नहीं बता पाओगे। मैं पूछूंगा एडीए जीन जो होता है बच्चों, तो अगर एडीए जीन से क्या बनता है, एडेनोसिन डीएमिनेज, तो एडेनोसिन डीएमिनेज अगर ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा बीमारी होता है। तो बहुत सारी चीज आपको नहीं पता होता, ठीक है, तो इसलिए क्लास करना, मैं सब कुछ कवर किया हूं। इस पॉइंट को बच्चे सुन लेना, किसी के अंदर इस पॉइंट को ऐड कर लो, यहीं पे कहीं पे भी ऐड कर लेना, किसी के अंदर एडेनोसिन डीएमिनेज कम होता है तो पता होगा क्या होगा, इम्यूनिटी कम होता है। ठीक है, बट याद रखना बच्चों, किसी के अंदर एडेनोसिन डीएमिनेज का लेवल ज्यादा है तो हाई लेवल क्या होता है, याद रखना बच्चों, इट इज सजेस्टिव ऑफ टीवी। ये डिट्टो क्वेश्चन आ सकता है नेट में, क्योंकि ये नाम दे रखा है। तो बच्चों याद रखना, एडेनोसिन डीएमिनेज का हाई लेवल बीमारी कौन सजेस्ट करता है, टीवी को सजेस्ट करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग नहीं आता होगा, ठीक है, तुम लोग हवा में अभी मत उड़ो, पहले ही बोल रहे सब लोग, प्लीज और प्लीज। हाँ, अशांति, गौरव क्लास किए क्या तुम? हाँ, उसका नाम है अशांति डेथ सिल्वा, वो 4 साल की लड़की थी 1990 में, उसका जेन थेरेपी किए थे, तो पूरा नाम अशांति डेसिल्वा। बहुत सारी चीजों को नहीं पता होता, इसलिए बच्चों क्लास किया करो, सीरियसली लो। चलो तो बच्चों ये चीज आपको मैं समझा दिया, आगे देखते हैं, तो इसका आप लोग समझोगे ना। बच्चों देखो, दो क्वेश्चन पूछता है आपसे। सपोज करो कोई आदमी स्टार्वेशन में है, सपोज करो कोई आदमी स्टार्वेशन में है या फास्टिंग में है, तो सिक्वेंस पूछता है कि क्या सबसे पहले उसकी बॉडी में यूज होगा। तो याद रखना, सबसे पहले जो बॉडी में यूज होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद क्या यूज होता है, फैट, उसके बाद क्या यूज होता है, प्रोटीन यूज होता है। ठीक है, तो कोई भी आदमी भूखा है या कोई भी आदमी सपोज करो रोजा रखे हुआ है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट क्यों, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में रहता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है, तो सबसे पहले यूज हो जाएगा। उसके बाद फैट यूज होगा। और बच्चों याद रखना, फैट का ब्रेकडाउन जैसे ही होगा तो कैसे मालूम चलेगा आपको, याद रखना बच्चों, फैट के ब्रेकडाउन से कुछ बनता है, क्या बनता है, कीटोन बॉडी। तो कीटोन बॉडीज आपको यूरिन मिलेंगे, कीटोन बॉडी इन यूरिन, तो प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी यूरिन का, यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज मिलना, ये किसका सिग्नल है, ये सिग्नल है कि इस बंदे के अंदर फैट ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, आदमी लंबे टाइम से भूखा है, इंसुलिन जीन लोकेटेड क्रोमोसोम में, क्या बात है गौरव, क्लास की हो गौरव क्या क्लास करके आए हो कल या खुद से बता रहे हो, बताओ। चलो, तो फैट्स के ब्रेकडाउन से कीटोन बॉडीज बनते हैं यूरिन में, ये ध्यान रख लोगे। ठीक है, क्लास करके आए हो क्या, बताओ। तो ये याद रखना बच्चों, कीटोन बॉडीज क्या होता है, डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, कहां पर इसको पढ़ेंगे हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, अभी ध्यान रख लेना। ना बच्चों, अगली बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट, याद रखना, प्रोटीन बेसिकली होता है कि हम लोग का आज ही की है, वेरी गुड वेरी गुड, करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज सीखोगे। हाँ, सब बच्चे क्लास को सीरियसली लो, पछताओगे जाके, आगे जाके, पहले ही बोल रहे, बहुत बच्चे पछताओगे, तुम लोग को लगता है कि हम यहां से पढ़ लेंगे तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। चलो, वेरी गुड की, अच्छी बात है, सीरियसनेस दिखता है तुम्हारे अंदर। चलो, तो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है, और प्रोटीन क्या करता है, लिखना, प्रोटीन बेसिकली बॉडी का मसल मास बनाता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट कितना है, ऐड कर लो फटाक से, बाकी का आपको याद नहीं करना है। याद रखना, प्रोटीन का होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो 1 ग्राम पर केजी वेट मतलब 70 किलो का आदमी है, तो 70 किलो का आदमी को 70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, 70 ग्राम इसको प्रोटीन डेली चाहिए, दिस इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन क्या चीज मिलता है, तो याद रखना बच्चों, सबसे ज्यादा प्रोटीन दुनिया का होता है एग में, तो एग हैज गॉट हाईएस्ट एनपीयू, नेट प्रोटीन यूनिट, सबसे ज्यादा होता है एग में। बाकी जो छोटा मोटा चीज आपको पता होगा, सोयाबीन, तो बेसिकली सोयाबीन वगैरह आपको पता है, और भी चीज आपको पता है, राजमा वाजमा, तो बकवास चीज है। मैं आपको पता होना चाहिए, आप जो खाते हो घर में खुशी खुशी, ये सोचते हो ना इस तरह का दाना 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 है, ये सोयाबीन है बच्चों, वो सोयाबीन नहीं है, आप ठगते हो, आपको ठगा जाता है, सोयाबीन नहीं, वो क्या है, वो सोया चंक है। हाँ, सोयाबीन आप लोग समझते भी नहीं होगे शायद, सोयाबीन कुछ इस तरह का दिखता है बच्चों, इस तरह का छोटा छोटा दिखता है, ठीक है, राजमा की तरह दिखता है, ठीक है, छोटा सा दिखता है एकदम, तो दैट इज सोयाबीन, दिस इज नॉट सोयाबीन। आप लोग खुश हो जाते हैं सोयाबीन खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, आप लोग ठगे जा रहे हो, ये बेसिकली सोया चंक्स के बाद जो रद्दी बचता है उसको हम लोग सोया चंक्स बना के पैकेट में बेच देते हैं, तो लोग सोचते हैं खा लो न्यूट्रेला का सोया चंक है, तो बहुत खुश हो जाते हैं, वो सोया चंक नहीं है। तो बिल्डिंग ब्लॉक होता है याद रखना, और बिल्डिंग ब्लॉक है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 70 ग्राम चाहिए 70 किलो के आदमी को, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, तो ये स्टार्वेशन का यूज हो गया ना, क्योंकि पूछ सकता है आपसे इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस वाइज बताया जाए तो सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है बॉडी में, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है बताओ, अरे सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है बॉडी में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है बताओ प्रोटीन, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है फैट, तो ये तीनों सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, तीनों सीक्वेंस बच्चों बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा क्लोज है एक्चुअली, तो वहां पे आप क्या होता है, वहां पे एग्जाम में भूल जाते हो। ठीक है, तो बच्चों सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना होगा, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया बच्चों, इंपॉर्टेंस वाइज लिखना बच्चों, प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, तो बॉडी में इंपॉर्टेंस का सीक्वेंस ही है। ठीक है,
उसको मैं उल्टा बोल दिया था। ठीक है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रोटीन का लॉस होगा, अगर प्रोटीन का लॉस होगा बॉडी से तो क्या होगा, लिख लो मसल वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग होगा। मसल वेस्टिंग का मतलब हाथ पर पतला होगा, दैट इज कॉल्ड मसल थिनिंग। हम देखे हैं कैसे बनता है स्वेचिंग, चलो अच्छी बात है देखे हो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। हम लोग आगे आते हैं, तो बच्चों दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ हम लोग पढ़ेंगे अब एब्जॉर्प्शन, हम लोग पढ़ेंगे अब एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में देखो काफी चेंज किया गया है, अपडेट किया गया एनसीईआरटी को, हम लोग अपडेटेड वाला एनसीईआरटी लेके ही बैठे हैं। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब सिंपल द कॉन्सेप्ट है, ये अपन का म्यूकोसा है और म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा है, और सब म्यूकोसा के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स वगैरह है। तो सिंपल द कॉन्सेप्ट है वैसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन को पास करेंगे थ्रू इंटेस्टिनल म्यूकोसा, इंटेस्टिनल म्यूकोसा के थ्रू पास करेंगे कहां पर, इनटू द ब्लड और लिम्फ। एंड ब्लड और लिम्फ कहां है, प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, तो इसको खुद ऐड कर लेना, प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। नाउ ये कैरिड होता है कुछ प्रोसेसेस से, पहला प्रोसेस है क्या देखो, पैसिव, दूसरा है एक्टिव, और तीसरा है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो देखते हैं हम लोग इसको ध्यान से। नो बात करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड, तो बच्चों रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, तो मैं लिखता हूँ एमिनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा बच्चों, कुछ इलेक्ट्रोलाइट लाइक सीएल माइनस। तो बच्चों याद रखना ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का और क्लोराइड का, इन तीनों का एब्जॉर्प्शन होता है बाय द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सपोज करो ऊपर कोई सब्सटेंस हायर है वो लोअर मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इन इनका सब्सटेंस का पैसेज डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, ठीक है। चलो नाउ सेकंड देखते हैं, सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, तो बच्चों देखो यहाँ पर ग्लूकोज और कुछ एमिनो एसिड ये क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जाते हैं। कैरियर प्रोटीन्स का मतलब सपोज करो ये म्यूकोसा है और ये सब म्यूकोसा है, तो बेसिकली वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स। ये कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा है, ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये सब्सटेंस घुस रहा है और इस प्रोटीन के होते हुए अंदर ही सब म्यूकोसा में आ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड। लिखा हुआ है, मैं क्या लिखूंगा, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फैसिलिटेटेड। फैसिलिटी कौन दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है ये कैरियर प्रोटीन। तो बच्चों कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो इसको बोलो, ये इसको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो बच्चों ये हेल्प कर रहा है किसको, ग्लूकोज को और कुछ एमिनो एसिड को। तो बच्चों देखो यहाँ पे आज से 3 साल पहले ये ग्लूकोज के जगह फ्रुक्टोज लिखा था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ जब क्वेश्चन बैंक करोगे तो पहले के क्वेश्चन बैंक में फ्रुक्टोज के अकॉर्डिंग आंसर, परेशान मत होने लगना, ठीक है। पहले का क्वेश्चन मतलब 2006-2003 इस सब में करोगे ना तो फ्रुक्टोज के अकॉर्डिंग आंसर दिया, बट क्वेश्चन 2017-18 में चेंज कर दिया गया, इसको फ्रुक्टोज को ग्लूकोज कर दिया गया, ठीक है। हाँ, तो अब आपको आंसर ग्लूकोज के अकॉर्डिंग देना, तो परेशान मत होना, कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन से बचना, मैं पहले ही बोलते हूँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन के चक्कर में तैयारी खराब करते हैं। हमेशा 2009 ऑनवर्ड्स करना ज्यादा बेटर है, ठीक है। 2009 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करोगे ज्यादा फायदा करेगा, 1994 वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ठीक है, इरेलेवेंट, मैं खुद पैदा हुआ था उस टाइम में, ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। चलो आगे आते हैं, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का आपको याद रखना होगा। नो बच्चों तीसरा है बात करेंगे, तीसरा वाटर की बात करेंगे, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है पता होगा, ऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर का मूवमेंट। ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है, और सॉल्वेंट कौन सा, वाटर मान लो, तो वाटर मूव करता है कहां, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर का मूवमेंट लोअर टू हायर, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एग्जांपल आपको पता होगा जैसे कि आप किशमिश को पानी में डालते हो, किशमिश क्यों फूल जाता है, बिकॉज किशमिश के अंदर जो उसका रस है, जो उसका मीठा वाला रस है, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में है और बाहर का पानी लोअर पे है, तो बेसिकली पानी जाएगा किशमिश के अंदर और वो किशमिश को फुला देगा, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। बट सपोज करो वही किशमिश को तुम फुला दिए और उसको तुम काफी नमकीन पानी में डाल दिए, तो क्या होगा, नमकीन पानी बाहर हायर है और ये अंदर अब लोअर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर मूव करता है लोअर टू हायर, तो ये किशमिश के अंदर से पानी निकल जाएगा, तो किशमिश क्या हो जाएगा, पचक जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाया गया होगा, आई एक्सपेक्ट आपको आता होगा। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट पानी का, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे बात करेंगे बच्चों देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है ये होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब सपोज करो कोई सब्सटेंस नीचे लोअर कंसंट्रेशन में और ये ऊपर हायर है, तो नॉर्मली होना क्या चाहिए था, हायर टू लोअर, बट सपोज करो कोई सब्सटेंस लोअर टू हायर मूव कर रहा है, उसके लिए वी हैव टू यूज समथिंग दैट इज कॉल्ड एटीपी, और एटीपी का जैसे यूज करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट विल रिक्वायर एटीपी। तो कौन कौन सा चीज होता है बताओ, तो न्यूट्रिएंट लाइक एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na+, तो ये तीनों याद रखना होगा, तो एमिनो एसिड कुछ ग्लूकोज और कुछ Na+ होता है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा, क्या चीज तीनों तरीके से होता है, क्या चीज तीनों तरीके से होता है, आपको देखो ध्यान से दिखेगा क्या क्या दिखेगा, देखो खुद देखो ध्यान से क्या दिखेगा, देखो वहां पर ग्लूकोज यहाँ भी था, वेरी गुड, ग्लूकोज यहाँ पर भी था, वेरी गुड, और ग्लूकोज यहाँ पर भी है, वेरी गुड। आगे देखते हैं, देखो एमिनोसिड यहाँ पर भी था, एमिनोसिड यहाँ पर भी था, और एमिनोसिड यहाँ पर भी था, तो देखो क्या दिख रहा है, ग्लूकोज और एमिनोसिड का ट्रांसपोर्ट तीनों तरीके से हो रहा है, किस किस तरह से, सिंपल डिफ्यूजन से भी हो रहा है, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। तो ये क्वेश्चन एक नीट में बनना चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन एक बनता है,
जो कि आपसे पूछा जा सकता है। किस चीज का तीनों तरीके से होता है, कर लोगे ना? आप बात करेंगे लोचा किस में, बताओ। लोचा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में लोचा। बच्चों देखो प्लीज, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नीट में क्वेश्चन आना चाहिए एन ए प्लस का कैसे होता है और सी एल माइनस का कैसे होता है। तो बच्चों देख लेना प्लीज, सी एल माइनस का होता है कैसे, सिंपल डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन से। और एन ए प्लस का कैसे होता है, एन ए प्लस का होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो इसका भी आसान से तरीका, देखो एन ए प्लस में ए आता है, ए वाला होता है बच्चों किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और सी एल माइनस वाला एक याद रख लेना, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। चलो तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ एक एक लाइन आपका नीट का प्रिपेयर होगा जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक लाइन। मैं बात करेंगे बच्चों फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की, तो इसमें लोचा क्या देखते हैं, लोचा यही है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, ये दोनों के दोनों क्या है, इनसॉल्युबल। देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा है, एनसीईआरटी बहुत कुछ इनकम्प्लीट लिखा है। अब जब एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे तो आपको दिखेगा कि दो तरह का होता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल, जो छोटा साइज का और बड़ा साइज का। हालांकि मैं आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको एनसीईआरटी वाला चीज बताऊंगा। तो देखो बच्चों फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल होता है, तो डायरेक्टली उसको हम लोग ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं करते। सपोज करो ये म्यूकोसा का लेयर है और सपोज करो ये सब म्यूकोसा का लेयर है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ब्लड बह रहा है, इसके अंदर बच्चों ब्लड बह रहा है। तो जब इसके अंदर ब्लड बह रहा है तो बेसिकली अगर ये चीज सॉल्यूबल ही नहीं है, वाटर में सॉल्यूबल ही नहीं, तो ब्लड में भी सॉल्यूबल नहीं होगा, तो इसलिए क्या दिक्कत होगा, इसलिए दिक्कत होगा। तो हम लोग करते क्या, पहले देखो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है समझो, तो बच्चों ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये क्या होता है, ये दोनों कंबाइन करता है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंबाइन किया और एक स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइसेली। टू बी क्लियर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हालांकि एक्सप्लेनेशन बोलोगे तो मैं बता दूंगा, बट आपके काम का नहीं है। तो देखो बच्चों सबसे पहले माइसेली का फॉर्मेशन हो गया। नाउ माइसेली जो है बच्चों, ये माइसेली क्या करेगा, अब ये माइसेली बेसिकली इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में मूव कर जाएगा। तो देखो ये म्यूकोसा के लेयर में मूव कर गया। नाउ जैसे ही यहाँ माइसेली पहुंचेगा, मैं इसको एम लिखता हूँ, जैसे ही माइसेली बच्चों पहुंचेगा तो क्या होगा समझो, यहाँ पर इस माइसेली के ऊपर, वेरी गुड, इस माइसेली के ऊपर एक एडिशनल कोट आएगा किसका, प्रोटीन का। इस माइसेली के ऊपर एक एडिशनल कोट आएगा किसका, प्रोटीन का। और प्रोटीन का कोटिंग होने से अब जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, देखो अब जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं काइलो माइक्रोन, इसको हम लोग बोलते हैं काइलो माइक्रोन, ठीक है, वेरी गुड। तो काइलो माइक्रोन आर नथिंग, काइलो माइक्रोन आर बेसिकली फैट ग्लोब्यूल्स कोटेड विद प्रोटीन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नीट 2020 लगा लो, एक्जैक्टली डिटो क्वेश्चन आएगा, एक्जैक्टली ये क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो मेरे पे केस कर देना, ठीक है, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, ये क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो मैं क्या बोला फिर से बोल देता हूँ, फैटी एसिड ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल है, पहले वो माइसेली बनते हैं, माइसेली म्यूकोसा में मूव करता है, म्यूकोसा में मूव करने के बाद वो वापस से स्मॉल प्रोटीन की कोटिंग चढ़ती है उसके ऊपर, और उसको हम लोग बोलते हैं काइलो माइक्रोन। और अल्टीमेटली जो काइलो माइक्रोन बन जाता है बच्चों, वो काइलो माइक्रोन फाइनली क्या करता है, वो फाइनली मूव करता है किसमें, मूव करता है ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। तो बच्चों को फाइनली काइलो माइक्रोन मूव किया लिम्फेटिक वेसल्स में, बताया ना इनसॉल्युबल है। आपको याद करो बताया था क्या, विलाई के अंदर वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड लैक्टियल्स, और लैक्टियल का क्या फंक्शन है, लैक्टियल का फंक्शन है ये लिम्फेटिक वेसल्स का पार्ट है, इसके थ्रू लिम्फ का, इसके अंदर फैट्स का डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। हाँ वेरी गुड आंसर गौरव, वेरी गुड। चलो ठीक है बच्चों, तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। डिट्टो ये लाइन नीट में आएगा, डिट्टो ये लाइन नीट में आएगा, नीट 2020 स्टार लगा लो, और मैं साइन करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं साइन करके दे दे रहा हूँ, आप मेरे को दिखा देना, नहीं आएगा तो फिर जो बोलोगे सो, ठीक है, चलो आगे आते हैं। ओके, तो दिस इज द काइलो माइक्रोन्स, और काइलो माइक्रोन्स बन गया, और ये ट्रांसपोर्ट होगा किसमें, लिम्फ वेसल्स में, विलाई के थ्रू। नाउ ये जो लिम्फ वेसल्स के अंदर जाएगा, ये अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ये अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ये कैसे जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, लिम्फेटिक सिस्टम में, कैसे, आज ही पढ़ाया था मैं, आज ही क्लास 11th में ये चीज पढ़ाया हूं मैं, कि कैसे कोई भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट कैसे अल्टीमेटली सुपेरियर वेना कावा में चला जाता है, और सुपेरियर वेना कावा कहाँ जाता है, राइट एट्रियम ऑफ हर्ट में। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, दिस लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और लिख लेना बच्चों ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा, ये बेसिकली ब्लड वेन्स में जाएगा, सुपेरियर वेना कावा से हर्ट में जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा 11th वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें पढ़ाऊंगा आप लोगों, ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलो तो बेसिकली बच्चों इस तरह से एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन वाला कॉन्सेप्ट इस तरह से आपका हो जाता है जो आपके सिलेबस में। अब बात करेंगे, देखो बच्चों बात करेंगे, अच्छा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड सिलेबस में नहीं है, छोड़ो कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता बताने का, चलो आगे देखते हैं। हाँ सॉरी, तो अब एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन डिफरेंट डिफरेंट चीज पेपर है क्वेश्चन आपके पास, कौन सा क्वेश्चन गौरव, नीट का, अरे बाबू क्वेश्चन मजाक कर रहे, सीरियसली पूछ रहे हो, क्वेश्चन होता तो फिर क्या मतलब होता, बट एक्सपीरियंस नामक चीज होता है, ठीक है, चलो आगे आता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होगा, माउथ में होगा, स्टोमिक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, तो वगैरह वगैरह हम लोग देखते हैं। ओके, तो नीचे में एक चार्ट बना के छोड़ दिया है। नाउ बात करेंगे, देखो एनसीईआरटी क्या लिखता है, एनसीईआरटी बड़ा कमजोर बुक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में लिखता है, पूरा आंसर लिखता नहीं है, आंसर क्या है, ड्यूडेनम में।
तो बात करेंगे बच्चों एब्जॉर्प्शन की। तो देखो माउथ में क्या होता है, देखो माउथ में होता है सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग। तो बेसिकली माउथ के नीचे जो ब्लड वेसल से बच्चों उसमें डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा और लोअर साइड ऑफ टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। हाँ मजाक कर रहे हैं ओके। हाँ तो बस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, देखना खाएगा बच्चों। ड्रग्स में एक एग्जाम्पल लिख लेना बच्चों, ड्रग्स में एक एग्जाम्पल लिख लेना, लिख लो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। यही क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में आना चाहिए, अगर ड्रग से कुछ पूछेगा तो यही पूछेगा आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। बच्चों याद रखना इसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, एंजाइना में। स्वर्ग मूवी सब देखे होंगे, राजेश खन्ना को देखे थे, एक दवा लेता था और वो तुरंत मुंह में रखता था, उसका दर्द छाती में उसको दर्द होता था, एकदम एंजाइना का पेन होता था और एकदम परेशान हो जाता था। तो क्या करता था, फटाक से एक दवा लेता था और मुंह के अंदर जीभ के नीचे रख लेता था। वो क्या था, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट था। ये क्या है, एंजाइना को ठीक करता है। कैसे, ये वैसोडाइलेटर है। कैसे ठीक करता है ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी एग्जांपल ध्यान रखना। बस एक्जैक्टली आपसे यही क्वेश्चन आएगा, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट या एक और याद रखो नाइट्रोग्लिसरीन, एक और याद रखो नाइट्रोग्लिसरीन। तो डिट्टो यही दोनों आएगा क्योंकि यही दोनों एनसीईआरटी में एक्चुअली दे रखा है। जीएम फिर नीट में फोड़ेगा, बिल्कुल फोड़ेगा। बोर्ड का रिजल्ट आया, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। 94% हाईएस्ट है, 91.2 है। आतिफ अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो ऑल द बेस्ट तुमको, ठीक है। आदित्य तुम अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो तुमको भी ऑल द बेस्ट। लाइव रिस्पॉन्स दो, तो दोनों बच्चे क्लास कर रहे होंगे अभी भी, रोज क्लास करते हैं, बहुत सीरियस बच्चे हैं ये लोग। अपीयरिंग में फोड़े हैं और ये लोग नीट में 600+ तो पक्का लाएंगे, ठीक है। हाँ मेरा पूरा हाथ है इन लोगों के ऊपर, ठीक है। चलो तो बिल्कुल आएगा, अगर तुम लोग सुन पा रहे हो तो रिप्लाई करना। आतिफ का नाम स्पेक्ट्रा है, ठीक है, यूट्यूब पे वो स्पेक्ट्रा है, बड़ा बहुत बड़ा वो हैकर है, इंटरनेट हैकर है, साइबर हैकर है, ठीक है। बोला सर हम आपका ग्रे मैटर का अकाउंट हैक करके दिखाएंगे, बोले ठीक है दिखाओ। चलो तो बच्चों ये स्टोमेक वाला कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया मैं, तो टंग के नीचे और माउथ के म्यूकोसा से चला जाएगा। अब बात करेंगे स्टोमिक की, तो स्टोमिक में याद रखना बच्चों वेरी गुड, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ सिंपल शुगर का होगा और वेरी इंपॉर्टेंट अल्कोहल का। तो अल्कोहल जो आदमी दारू पीता है तो दारू जाके बेसिकली अल्कोहल में एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉरी स्टोमिक में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बच्चों याद रखना प्लीज एंड प्लीज समझना, अल्कोहल वाला कॉन्सेप्ट में आपको बताया भी था, अल्कोहल को ज्यादा लोगे तो क्या होगा, लीवर सिरोसिस होता है, लीवर सिरोसिस भी हो जाता है। चलो इसका मतलब आतिफ आज नहीं है, खुशी मना रहा है, इसका मतलब आज एब्सेंट है। चलो बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, रोज तो रहता है क्लास में, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। तो ये है प्रिंसिपल ऑर्गन और एब्जॉर्प्शन बकवास, डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ग्लूकोज फ्रुक्टोज फैटी एसिड वगैरह वगैरह एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पर, म्यूकोसा के थ्रू ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ में। बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर का, कुछ मिनरल्स का बता दिया कौन सा Mg+2 का, ड्रग्स का बता दिया कौन सा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का। तो बच्चों ये आपका एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हो गया, चलो आते हैं आगे। ओके नाउ बेसिकली सिंपल द कॉन्सेप्ट है, एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी आपके सामान वामान है वो सबके सब फाइनली पहुंच जाएंगे और अब क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। तो एसिमिलेशन बता दिया था क्या, एग्जांपल आपके सिलेबस में एक ही है, C6H12O6 ऑक्सीजन से बर्न करेगा और क्या बनाएगा, CO2+H2O+ATP। तो दिस इज द बेसिक स्टेप ऑफ एसिमिलेशन। तो बेसिकली ATP का प्रोडक्शन होगा और एनर्जी का प्रोडक्शन इज कॉल्ड एसिमिलेशन, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नाउ क्या होगा, अब देखो जो भी मेरा कचरा बच गया अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड, तो जो डाइजेस्टिव वेस्ट बच गया, जो भी डाइजेशन के बाद जो वेस्ट बच गया वो सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफाई मतलब वो सॉलिड जैसा बनेगा, इनटू कोहेरेंट फीसेस। तो बेसिकली वो चिपका हुआ फीसेस बनेगा, फीकल मैटर रेक्टम में बनेगा और रेक्टम में जैसे ही बनेगा, तो समझो बच्चों देखो ये रेक्टम है सपोज करो, और ये रेक्टम और ये बच्चों में आपका एनस है, ये सपोज करो एनस है और ये रेक्टम है। तो होता है क्या बच्चों देखो, जैसे जैसे फीकल मैटर रेक्टम में स्टोर होता है, तो जैसे जैसे फीकल मैटर रेक्टम में स्टोर होता है तो क्या होता है, रेक्टम के वाल्स पर प्रेशर पड़ता है। तो देखो रेक्टम के वाल्स पर, रेक्टम के वाल पर वी हैव गॉट सम रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर्स क्या होंगे बच्चों, स्ट्रेच होंगे। रिसेप्टर जैसे स्ट्रेच होंगे तो क्या होगा, ये सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और ये सिग्नल कहाँ जाएगा बच्चों, सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन में। तो बच्चों ब्रेन में सिग्नल जाता है, जैसे ब्रेन में सिग्नल जाएगा तो अब क्या होगा, देखो ब्रेन वहां से ऑर्डर देगा, क्या ब्रेन बेसिकली एक ऑर्डर देगा और ऐसा ऑर्डर देगा जो करवाएगा क्या, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो बच्चों एक मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा जो कि वॉलेंट्री इन नेचर का है, अप टू अ लिमिट वॉलेंट्री इन नेचर का है। तो देखो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, ब्रेन को सिग्नल जाएगा और ब्रेन वहां से मैसेज भेजेगा कि गो फॉर अ मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो बच्चों ये मास है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ मास पेरिस्टाल्टिक है, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा पेरिस्टाल्टिक, मैं पहले बोल देता हूँ मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस कहाँ होता था, स्टोमिक में, मिनिमम कहाँ, रेक्टम में। तो बच्चों ये मास पेरिस्टाल्सिस मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्लियर वैल्यू, अर्लियर वैल्यू के रिस्पेक्ट बोल रहा मास, मतलब ये रेक्टम बेसिकली अभी सोया हुआ था, आसान शांत पड़ा हुआ था, उस रिस्पेक्ट में मास होगा, मतलब पेरिस्टाल्सिस बढ़ के होगा और जैसे ही बढ़ के होगा तो क्या होगा, एनएस के थ्रू स्टूल बाहर आएगा। अब बच्चों ये एनएस छोटा सा चीज नहीं है, एनएस में भी लोचा है, एनएस में क्या लोचा, देखो एनएस के अंदर दो स्फिंक्टर होते हैं, ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर और ये बच्चों है अंदर वाला इंटरनल स्फिंक्टर। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, मेरा वॉलंटरी होता है, इसको हम लोग अपने विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं, और इंटरनल क्या होता है, इंटरनल इनवॉलंटरी होता है। तो बेसिकली बाहर वाले स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है, तो बेसिकली स्टूल को हम लोग एक लिमिट तक रोक सकते हैं क्योंकि हम लोग का जो बाहर का स्फिंक्टर वॉलंटरी है, बट अप टू एक लिमिट तक। बचपन में तुम लोगों में से बहुत लोग आदत होगा, बचपन में स्कूल में
40 लगता होगा तो तुम लोग जबरदस्ती रोकते हो गए, रोकते रोकते फाइनली अब आगे नहीं बोलूंगा घर आते हो गए और दौड़ते हो गए सिर्फ टॉयलेट में, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली क्यों कर पाते थे, बिकॉज हमारा वॉलंटरी स्फिंक्टर था, अंदर वाला इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, इसको याद रखोगे। नाउ बात करेंगे, यहीं पे बता देता हूँ मैं, देखो बच्चों ये जो बात करेंगे मैं रेक्टम की बात करूंगा। तो देखो बच्चों रेक्टम के अंदर वी हैव गॉट सम वेन्स, रेक्टम के अंदर वी हैव गॉट सम वेन्स, वेन ब्लू होता है, मैं गलती से रेड बना लिया, ठीक है, वेरी गुड। तो सपोज करो बच्चों क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाए, किसी को अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो क्या होगा, किसी को लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन, तो क्या होगा, बार बार वो जोड़ लगाएगा, बार बार जोड़ लगाएगा, उसका पॉटी बेसिकली क्लियर नहीं होगा। तो क्या होता है समझते हैं, रेक्टम के जो वेन्स होते हैं बच्चों, ये वेन्स क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। तो बच्चों क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। तो रेक्टम के वेन्स डायलेट हो जाते हैं, क्यों, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में। और जब डायलेट हो जाते हैं तो क्या होता है, अंतिम में फाइनली और प्रेशर पड़ रहा है, अंतिम जाके ब्रश कर जाते हैं, जैसे ब्रश करते हैं तो क्या होता है बच्चों, ब्लीडिंग होती है, एंड दिस इज कॉल्ड हेमोरॉइड्स। इसी को हम लोग बवासीर बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं हेमोरॉइड्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये पाइल्स है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, आपको नीट में डायरेक्टली टिक करना है, क्या डायरेक्टली टिक करना है, डायलेशन ऑफ रेक्टल वेन, रेक्टल रेक्टम के वेन्स के डायलेशन से, और क्यों, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से, इट इज द मोस्ट कॉमन काउज, वी गॉट पाइल्स या बवासीर। तो आप ट्रेन में हमेशा देखते होंगे पाइल्स, बवासीर, वकंदर का सर्दी का इलाज बिना किसी चीर फाड़ के लैप्रोस्कोपी दूरबीन से बाबा जी से करवाइए, बिना चीर फाड़ करेंगे, ठीक है। ये चीज आप टॉयलेट के गेट पे देखते होंगे ट्रेन में जब जाते होंगे, तो बेसिकली यही होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो ओके, वेरी गुड आंसर, पाइल्स ना। उसका ट्रीटमेंट भी कैसे करते हैं ये भी सुन लो, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम लोग स्टेपलर लगाते हैं, स्टेपलिंग कर देते हैं। सपोज करिए वेन डायलेट हो गया, ये वेन डायलेट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेपलर को लेंगे, स्टेपलर को हम मार देंगे, स्टेपलर मार देंगे तो क्या होगा, ये धंस जाएगा, ये पचक जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड स्टेपलर, बैंडिंग कहते हैं, ठीक है, इसको बैंडिंग कहते हैं। बस सुन लो एक लाइन काफी है, जब आओगे मेडिकल कॉलेज तो मैं दिखाऊंगा खुद से अपने सामने करके, ठीक है। चलो तो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम की बात करेंगे, तो डिसऑर्डर्स वगैरह आसान है, देखो फटाफट से देखते हैं क्या क्या काम करें। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिख लेना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा, लिख लो, गैस्ट्रो एंटराइटिस, ठीक है। हाँ तो बच्चों दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनस, इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। बच्चों इन्फ्लेमेशन क्या होता है आपको पता होगा, इन्फ्लेमेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको अलग से कभी पढ़ा दूंगा जब टाइम मिलेगा, ठीक है, ऑलरेडी मैं सोचा भी था पढ़ाने का, आगे देखते हैं। तो बच्चों ये मोस्ट कॉमन एलिमेंट है ड्यू टू बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन। तो नॉर्मली बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से होते रहता है, एग्जाम्पल एक दो पता होना चाहिए आप लोगों को, जैसे कि एसेशिया कोलाई हो गया, ठीक है। और वायरल में आपको पता होना चाहिए कौन सा बच्चों, रोटा वायरस बड़ा खतरनाक चीज है। तो बेसिकली इन्फेक्शन और भी चीजों से होता है, जैसे कि टेप वर्म, तो टेप वर्म क्यों होते हैं, क्योंकि टेप पे जैसा दिखता है। राउंड वर्म क्यों होते हैं, राउंड वर्म जैसा है, लिखो कुछ नाम लिख लो। राउंड वर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। अगला बच्चे देखो थ्रेड वर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि थ्रेड जैसा दिखता है। हुक वर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि हुक के जैसा दिखता है। इसका साइंटिफिक नाम भी पूछ सकता है, हर कुछ का तो मेरे को भी याद नहीं है, हर कुछ का तुमसे पूछेगा भी नहीं। तो एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनली याद रख लो, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनली को हुक वर्म क्यों बता रहा हूं मैं, ये सब कॉमन है। अगला बच्चों पिन वर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि पिन की तरह दिखता है। तो आपको बताया क्या, मैं देखो राउंड वर्म और हुक वर्म, तो राउंड वर्म लिख लेना और हुक वर्म दोनों क्या करता है बच्चों, दोनों ब्लड को सक करता है। शायद मैं कहीं बताया था ये चीज, अच्छा ह्यूमन हेल्थ पढ़ा चुका हूँ, ये बच्चों ब्लड को सक करता है, ब्लड को सक कर क्या करता है, एनेमिया कॉज करता है। तो बच्चों ये खून को पीता है और खून को पी के एनेमिया कॉज करता है। और मैं क्या बताया, याद करो, पिन वर्म और राउंड वर्म ये क्या करता है बच्चों, दोनों के दोनों अपेंडिसाइटिस को काउज करता है। नाउ बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, पहले मैं क्योंकि भूल जाऊंगा अचानक से याद आया। देखो बच्चों क्या बोला मैं, पैंक्रियाज के जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या होते हैं, PCTLN होते हैं। तो बताओ अगर PCTLN इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, वेरी गुड, इनएक्टिवेटेड क्यों होता है, क्योंकि अगर ये एक्टिवेटेड होता तो क्या होता, पैंक्रियाज को खुद गला देता, पैंक्रियाज खुद गल जाता, वेरी गुड, एंड दैट इज कॉल्ड एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। तो बच्चों लिख लेना इस लाइन को, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, सुने होंगे बहुत कॉमन नाम बहुत लोगों होता है। तो लिख लो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का मतलब क्या होता है, लिख लो एक्टिवेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस विद इन पैंक्रियाज। तो अगर पैंक्रियाज के अंदर ही पैंक्रियाज एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा, पैंक्रियाज गलने लगेगा, पैंक्रियाज में सूजन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। लिख लेना मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, अल्कोहल। सबसे कॉमन क्यों होता है, अल्कोहल लेने से होता है, भयंकर दर्द होता है पेट में, तुम जाओगे अल्ट्रासाउंड करवाने तुमको मालूम चलेगा कि तुमको पैंक्रियाटाइटिस हो गया है, ठीक है। तो बहुत लेने के, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगर गलती से भी पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज में एक्टिवेट हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। चलो ठीक है, हम लोग डिजीज को पढ़ते हैं, इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो तो डिजीज को पढ़ते हैं, तो पहला बच्चों जॉन्डिस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जॉन्डिस पढ़ा दिया। बस जॉन्डिस में एक क्वेश्चन बकवास पूछता है, जॉन्डिस किसका डिसऑर्डर है, देखो जॉन्डिस में आंख पीला हो रहा है, स्किन पीला हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन पीला हो रहा है, लेकिन ये पीला हो रहा है तो क्या स्किन का बीमारी है, नो, जॉन्डिस की बीमारी डायजेस्टिव सिस्टम का बीमारी है, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी यहाँ लिखा है, ठीक है, मतलब
एक बस जुगाड़ तरीका बताओ याद करने का। चलो जॉन्डिस बता दिया था क्या, बिलिरुबिन का लेवल कितना हो जाए ग्रेटर देन 2 mg/dL। और यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, बाइल पिगमेंट्स डिपोजिट हो जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, डाइल पिगमेंट डिपोजिट हो जा रहे हैं बच्चों। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, तुम लोग बता पाओगे नहीं बताओ। सपोज करो एक बच्चा है, तो एक न्यू बॉर्न जब पैदा होता है, तो एक न्यू बॉर्न पैदा हुआ और ये येल्लो है, तो येल्लो पड़ गया, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, एज ए डॉक्टर तुम आंसर दोगे, तो तुम एज ए डॉक्टर के तुम्हारे पास सपोज करो उसका माँ बाप तुमको लेके आया, तुम डॉक्टर बन चुके हो, तो क्या तुम उसको जॉन्डिस का ट्रीटमेंट करोगे क्या, क्या उसका जॉन्डिस का ट्रीटमेंट करोगे क्या वहाँ पर? जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो। ट्रीटमेंट तुम करना शुरू कर दोगे क्या वहाँ पर? चलो तब तक तुम लोग बोलोगे, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों देखते हैं वॉमिटिंग, वॉमिटिंग क्या होता है? वॉमिटिंग का मतलब स्टोमिक के जो कंटेंट्स उसको तुम इजेक्ट कर दोगे माउथ के थ्रू, दैट इज कॉल्ड वॉमिटिंग। और बेसिकली वॉमिटिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है, वेरी गुड। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड पार्टिसिपेट करता है, आई थिंक पता होगा, आगे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। चलो तो बेसिकली होता क्या, देखो यहाँ पर वॉमिटिंग का सेंटर कहाँ होता है? वॉमिटिंग का सेंटर होता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा में, मेड्यूला ऑब्लंगाटा में वॉमिटिंग का। और वॉमिटिंग आने से पहले क्या होता है? नोजिया होता है। नोजिया का मतलब उल्टी जैसा मन करना, नोजिया का मतलब उल्टी जैसा मन करना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए ना बच्चों, वॉमिटिंग तो पढ़ ही लिए, तो दो तीन चीज होना चाहिए। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉर्निंग सिकनेस, तो यहीं पर लिखता हूँ मैं। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? ये प्रेग्नेंट लेडीज में होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हार्मोन एससीजी, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो बच्चों तीन हार्मोन में आपको याद रखना है मोस्ट कॉमन कौन सा? एससीजी। तो एससीजी का लेवल बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, उससे क्या होता है? सुबह में उल्टी जैसा मन होता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। बेसिकली इट इज अ फीचर इन प्रेग्नेंट लेडी। और आपको एक आंसर चूज करना, तो क्या चूज करना? एससीजी को चूज करना है। नाउ अगला होता है बच्चों मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस क्या होता है? मोशन सिकनेस, धूप में रखने बोलेंगे, क्या बात है, वेरी गुड आंसर। क्या होता है बच्चों? जब हम लोग जर्नी करते हैं, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो उस टाइम उल्टी का सामना करता है, तो मोशन में जब होता है तो मोशन सिकनेस होता है। उसका काउज लिख लो, लिख लो ड्यू टू, काउज लिख लो, ईयर में पढ़ाऊंगा मैं, ड्यू टू डिस्टरबेंस इन, लिख लो ड्यू टू डिस्टरबेंस इन इनर ईयर, इनर ईयर, ठीक है। अभी फिर ध्यान रख लो वेस्टिबुलर एपरेटस, अभी आपको नहीं पता होगा ये चीज, तो मैं वहां पर आऊंगा। तो बच्चों जब हम लोग जर्नी करते हैं तो हम लोग उल्टी का मन करता है, बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन इनर ईयर, हम लोग के अंदर कान में डैमेज हो जाता है। तो देखते हैं बच्चों, न्यूबॉर्न को अगर पीला पड़ गया उसको जॉन्डिस से, तो हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको बोलेंगे कि आप काम कीजिए, इसको घर ले जाइए, आपको बच्चा खुद ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो जब बच्चा जन्म लेता है उसका लीवर नया नया होता है, नाजुक सा लीवर होता है। तो होता क्या बच्चों, होता क्या है कि लीवर जब नया नया है बच्चों, तो क्या होता है, क्या बोला था मैं, हीम से क्या बनता है? हीम से बनता है बिलिरुबिन। तो देखो बच्चों बिलिरुबिन से क्या बनता है? बिलीवर्डिन। तो प्लीज समझते हैं, तो बिलिरुबिन से बच्चों, बिलिरुबिन से बिलीवर्डिन बनाने वाला जो एंजाइम होता है, नाम नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, उसको बोलते हैं बिलिरुबिन रिडक्टेज, काफी काम करनी है बच्चों। ये एंजाइम क्या होता है? बच्चे में थोड़ा कम बनता है, तो हम लोग तुरंत घबराएंगे नहीं, हम लोग बोलेंगे उसके माँ बाप को कि आप घर ले जाइए, आपको बच्चा खुद नॉर्मल हो जाएगा। आपको जॉन्डिस है, बट कौन सा जॉन्डिस है? उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, उसको बॉडी का फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, कोई बीमारी से जॉन्डिस नहीं है, हेपेटाइटिस से जॉन्डिस नहीं, बीमारी से नहीं, फिजियोलॉजिकल है। कहने का मतलब ये एंजाइम अभी इमैच्योर, बच्चा नया नया है, ये एंजाइम अभी कम बनता है। जैसे एंजाइम का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? बिलिरुबिन बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होने लगेगा। तो देखो बिलिरुबिन बिलीवर्डिन में कन्वर्ट नहीं होता, तो बच्चा में क्या हो रहा है? बच्चा येल्लो पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो बच्चा येल्लो पड़ रहा है। तो घबराना नहीं है उसको, हम लोग बोलेंगे कि घबराइए मत, आपका बिलिरुबिन बिलीवर्डिन में समझेगा नहीं था ना, आपको सीधे बोलना है कि आप घर ले जाइए और उसको जाके धूप में सुलाइए। धूप में सुनने से क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में बिलिरुबिन बिलीवर्डिन में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो हम लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि वहां को पूछ सकता है, अगर ये पूछ दिया क्वेश्चन तो इंडिया में बस 10-12 बच्चे कहीं से हो जो क्लास सुन रहे हो, ठीक है। हाँ, तो याद रखना बच्चों, हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि आप घर ले जाइए, आपका बच्चा खुद ठीक हो जाएगा। कैसे? जैसे ही बच्चा थोड़ा दिन का होगा तो लीवर इसका परफेक्ट हो जाएगा, एंजाइम बनने लगेगा, एंजाइम बनेगा तो बिलिरुबिन बिलीवर में कन्वर्ट होगा और इसका बच्चा आपका नॉर्मल हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों वॉमिटिंग का बता दिया बच्चों, और रखना बच्चों वॉमिटिंग के लिए ड्रग देते हैं हम लोग, उसका नाम रखना, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी इमेटिक ड्रग, एंटी इमेटिक ड्रग, जो इमेसिस को रोके। इमेसिस का मतलब स्टोमिक के कंटेंट को मुंह से उगल देना, दी कॉल इमेसिस, ठीक है, उल्टी करना। चलो आगे आते हैं। नो अगला है बच्चों डायरिया, अगला है डायरिया। तो डायरिया की बात करेंगे, थोड़ा डायरिया आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था मैं। तो डायरिया में लिखना बच्चों क्या होता है, डायरिया में क्या होता है? देखो डायरिया में एपल एनसीआरटी पढ़ लेते हैं, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉबल मूवमेंट। तो बॉबल मूवमेंट का एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज। जो भी फीकल डिस्चार्ज तुम्हारा होगा उसका लिक्विडिटी बढ़ा हुआ, उसमें पानी पानी ज्यादा आएगा, दैट इज कॉल्ड डायरिया। बट अगर मेडिकल डेफिनेशन लिखा जाए तो लिख लेना थ्री और मोर देन थ्री लूज वाटर स्टूल। तो तीन या तीन से ज्यादा लूज वाटर स्टूल हो किसमें? 24 घंटे में, दैट इज कॉल्ड डायरिया, ठीक है। तो सिंपल था, देखो यहाँ लिखा हुआ लूज वाटर स्टूल, यहाँ लिखा हुआ देखो इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फिकल डिस्चार्ज, ठीक है। और एबनॉर्मल क्यों? एबनॉर्मल कितना? एबनॉर्मल
तीन या तीन से ज्यादा वाला, ठीक है। अब देखो बच्चों दिक्कत क्या होता समझते हैं, दिक्कत ये होता है, दिक्कत समझने से पहले हम लोग आगे देखेंगे ना, समझो डायरिया और डिसेंट्री में अंतर बता चुका हूं मैं, फिर से नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा दोनों में ट्रीटमेंट के लिए दोनों में क्या देते हैं हम लोग, डायरिया और डिसेंट्री दोनों में क्या देते हैं, ओआरएस देते हैं। बच्चों ओआरएस का कंपोजिशन आपसे पूछ सकता है रैंकर्स के लिए, जिसको एम्स जाना है उसके लिए, जिस बच्चे को 650 प्लस करना है उसके लिए क्वेश्चन है। तो बच्चों ओआरएस कंपोजिशन लिख लेना, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटासियम क्लोराइड होता है, फटाफट लिखते चलो, सोडियम सिट्रेट होता है, और लिख लो अगला बच्चों डेक्सट्रोज होता है। तो ओआरएस के अंदर बेसिकली ये सब चीज होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और डेक्सट्रोज। तो बच्चों डेक्सट्रोज क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है बेसिकली सिंथेटिक ग्लूकोज, सिंथेटिक ग्लूकोज दे रहे हैं क्योंकि उसके अंदर थोड़ा कमजोरी हो गया, उसको ठीक कर लेगा, एनर्जी देगा उसको। और NaCl KCl ने पूछता है बच्चों कि ये Na+ का क्या रोल है, बच्चों याद रखना आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट पता होगा ना, एक बड़ा पुराना कहावत है मैं हमेशा बोलता हूँ, जहां जहां नमक जाएगा वहां वहां पानी जाएगा, पता है ना, जहां जहां नमक जाएगा वहां वहां पानी जाएगा। तो देखो इसका पेट खराब है, बार बार इसका स्टूल निकल रहा है, तो हम लोग उसको नमक क्यों दे रहे हैं बच्चों, नमक लिख लेना क्यों दे रहे हैं, लिख लो टू प्रिजर्व, हाँ टू प्रिजर्व वाटर लॉस, ठीक है, या लिख सकते हो टू कंपनसेट वाटर लॉस, पानी के लॉस को बचाने के लिए हम लोग Na+ देते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या होता है कॉन्सेप्ट पता होगा, कहीं पे भी नमक जाएगा, सपोज करो नमक यहाँ गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन में, ये क्या हो गया लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। आपको पता होना चाहिए पानी मूव कहाँ करता है, पानी मूव करता है लोअर टू हायर, तो देखो वाटर अंदर खींचा जाएगा क्यों, क्योंकि अंदर में हायर कॉन्सेंट्रेशन है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बॉडी का पानी का लॉस रुक जाएगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन बच्चों पीएमटी में आया हुआ है, क्वेश्चन 2002 या 2003 में आया था, ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा था मेरे को। तो बच्चों हम लोग ORS देते हैं, ORS का कंपोजिशन आपको याद रखना होगा, ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन बड़ा खतरनाक बीमारी सबको होता है कभी ना कभी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फीकल मैटर रिटेंड हो जा रहा है किसमें, कोलोन में, बच्चों इंपॉर्टेंट है ना, कोलोन के अंदर फीकल मैटर रह जा रहा है, क्यों, बिकॉज बॉबल मूवमेंट इरेगुलर हो रहा है, बॉबल मूवमेंट इरेगुलर है, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इरेगुलर है, प्रॉपर टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है और रिलैक्स नहीं कर रहा है, जिस वजह से क्या होगा फीकल मैटर आपका अटक जाएगा। तो बच्चों ये कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए लिखना, ये क्वेश्चन पीएमटी में पूछा हुआ है, आपसे पूछ सकता है फिर से। तो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी चीज देते हैं, हम लोग सब नहीं पढ़ना, हम लोग को पढ़ना है एक क्या बच्चों, हम लोग एक पढ़ना क्या इसफगोल। तो बेसिकली हम लोग इसफ गोल का जो भूसी देते हैं इसको हम लोग इसफ गोल हस्क बोलते हैं, इसका काम पूछता कैसे करता है। तो बेसिकली देखो किसी कॉन्स्टिपेशन है तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या होता है, इसके जो फिकल मैटर होते हैं बच्चों वो आसानी से निकल नहीं रहते, वो दूर दूर होते हैं। तो हस्क जो पीते हैं हम लोग, जो इसफ गोल का भूसी पीते हैं दूध में रख के पानी में रख के, तो यह होता है ये पानी में रख के पियेंगे तो साइज का बड़ा हो जाएगा। सपोज करो इसफ गोल का साइज बड़ा हो गया और बॉडी के अंदर पानी वहां जाके भी साइज बड़ा हो जाएगा। तो देखो सपोज करो भूसी है ये बड़ा हो गया तो क्या होगा, देखो जैसे ही इसफगोल का भूसी जाएगा तो क्या करेगा, रास्ता में जो भी कचरा है तो अंदर में गाना बजेगा गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक है। तो जो भी कचरा आपका रुक जाता था वो कचरा निकल जाएगा क्योंकि गाड़ी वाला आया है कौन, इसफगोल हस्क, और इसको निकाल देगा, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो बच्चों इस तरह से स्टूल पास हो जाता है, ठीक है, हाँ इस तरह से आपको याद रखना होगा ना। देखो बच्चों नीट में दिक्कत क्या होता है, नीट में दिक्कत होता है जब आप नीट देने जाओगे, अभी आप क्लास कर रहे हो और आपके सामने NCERT खुला है इसलिए आप बता पा रहे हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि नीट में जाओगे तो आपको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भूल जाओगे। देखो एक ही वर्ड का अंतर है, क्या है, बॉबल मूवमेंट इरेगुलर है यहाँ पर और यहाँ पर बॉबल मूवमेंट एबनॉर्मल है। तो उसका तरीका क्या, देखो ये तरीका है, देखो डायरिया में ए आता है, डायरिया में ए आता है तो ए फॉर एबनॉर्मल, ठीक है, वेरी गुड, इस तरह रखोगे। और कॉन्स्टिपेशन के अंदर आ जाता है, अभी मत बोला सर वहां भी आ जाता है, अब एक याद रख ले दूसरा खुद याद रख लेना, सब कुछ अगर तुम ट्रिक से याद करोगे तो भूल जाओगे। तो देखो ट्रिक उतना ही बनाओ जितना तुम याद कर सको, इतना ट्रिक मत बनाओ कि तुमको ट्रिक याद करने के लिए ट्रिक बनाना पड़े, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो बच्चों याद रखना एक चीज काफी है, डायरिया में ए आता है तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी डायरिया एंड इरेगुलर इज कॉन्स्टिपेशन, तो इस लाइन से ध्यान रख लोगे, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में आपको बता दिया, ये सब बोल देते हैं ना। अगला बच्चों इंडाइजेशन, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो इन कंडीशन में खाना आपका नहीं पच रहा है, बहुत सारे काउज होते हैं और जब खाना नहीं पचेगा तो क्या होगा, आपको हमेशा पेट तना तना लगेगा, दैट इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ फुलनेस। काउजेज बहुत सारे हैं, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन तो ओल्ड एज में कॉमनली देखा जाता है। तो जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होगा क्या होगा, एंजाइम का सिक्रेशन घट जाएगा, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आपको अगले दिन डेट पे जाना है, आपको अगले दिन नीट एग्जाम है, आपको अगले दिन एक जॉब का इंटरव्यू, तो पेट खराब होना बनता है। फूड पॉइजनिंग लिख लेना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो नीट में डायरेक्टली आएगा लिख लेना, स्टेफिलोकोकस, ठीक है, लिख लो बच्चों स्टेफिलोकोकस ऑडियस। तो बच्चों याद रखना आप लोग, स्टेफिलोकोकस ऑडियस एक बैक्टीरिया होता है, अगर ये बैक्टीरिया तुम्हारे खाने में चला गया तो 0 to 6 आवर का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो स्टेफिलोकोकस ऑडियस बेसिकली आपके बॉडी में जाएगा और ये फूड पॉइजनिंग करवाता है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, डिटो ये पूछ सकता है नीट में, और ये 6 घंटे तक होता है। तो आप सुनते हो अक्सर कि मिड डे मील खाया और 100 बच्चा बीमार, एक बाराती में भोज खाने वाले 200 बाराती बीमार, सुनते हो ना, ये सब क्यों होता है, ये होता है फूड पॉइजनिंग। तो सपोज करो जो हलवाई था वो खाना बनाया और वो साफ सफाई मेंटेन नहीं किया, गलती से स्टेफिलोकोकस का एक बैक्टीरिया गिर गया
और ये आपके फूड में जाएगा तो बेसिकली पूरे के पूरे फूड में 6 आवर तक फैल जाएगा। और इसके टॉक्सिन से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग जैसे ही होगा तो क्या होगा, इंडाइजेशन होता है, वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो देखो इंडाइजेशन के काउज में दे रखा क्या, फूड पॉइजनिंग, आपको बच्चों याद रखना होगा। और स्टैफिलोकोकस ओरियस लिख लेना, मिल्क प्रोडक्ट्स में ज्यादा होता है, सेवई में, पनीर में, दूध में, इन सब से ज्यादा जल्दी फैलता है। चलो आगे आते हैं, ओवर ईटिंग। तुमको सपोज करो बोल दिया गया कि कल लॉकडाउन खुल रहा है और परसों से वापस 21 दिन का लॉकडाउन लग जाएगा, तुम बोलोगे जिंदगी की आखिरी बार मौका है, हम लोग दयाल ढाबा चलते हैं और चाप के खाते हैं। तो तुम इतना खाओगे कि तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। स्पाइसी फूड सिंपल था कॉन्सेप्ट है, तुम दयाल ढाबा जाओगे और बोलोगे कि हमको चिकन मुगलाई दीजिए और ये दीजिए, और तुम स्पाइसी खाना के चक्कर में, जैसे कि तुमको पता है कि आज दुनिया का लास्ट दिन है, कल ब्रह्मांड फटने वाला है और तुम अपने पेट को खराब कर लोगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ अगला बच्चों, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। देखो डिजीज में बहुत सारा चीज है, मैं पढ़ाने बैठ जाऊँ तो फिर खत्म टाइम नहीं बचेगा। अल्सर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अल्सर आप लोग देख लोगे, इंपॉर्टेंट है, वो आपसे आ सकता है। नाउ बच्चों अगला है प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, नीट 2020 लगा लो, नीट 2020 शर्त लगा लो, इससे क्वेश्चन एक पक्का आएगा, गारंटी में साइन करके दे देता हूँ आपको, नीट में क्वेश्चन इस पक्का आना है सर, ठीक है। नाउ प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की बात करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो यार, कुछ कॉमेडी वॉमेडी करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हो, कुछ दिया करो यार, तब तो लगता है तुम लोग जिंदा हो यार, ऐसा लग रहा है कि हम कंप्यूटर के सामने बैठ कर बक बक कर रहे हैं। नाउ प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ऊपर वाला लाइन बकवास है, ठीक है। डायट्री डिसफिशियंसी बेसिकली इन बहुत सारे कंट्रीज में है। नाउ प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या है, मैरास्मस और क्वासिगोरकर, दो एग्जांपल हम लोगों को पढ़ना है। ऊपर का पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको डायरेक्टली इसको पढ़ लेना है। नाउ बच्चों बात करेंगे मैरास्मस और क्वासिगोरकर की, तो प्लीज फोकस करना, एकदम आसान चीज है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा और इजी चीज है। तो देखो बच्चों क्वासिगोरकर पहले पढ़े कि मैरास्मस पढ़े, पहले हम लोग पढ़ेंगे मैरास्मस, चलो मैरास्मस दिया हुआ, मैरास्मस पढ़ लेते हैं। तो बच्चों याद रखना मैरास्मस के अंदर क्या होता है, मैरास्मस के अंदर आदमी मरमरा जाता है, टू बी क्लियर, आदमी मरमरा जाता है का मतलब आदमी के अंदर, मैरास्मस का मतलब एम फॉर मैरास्मस, एम फॉर मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल चीज का कमी होगा, क्या क्या चीज का, देखो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, तो ऐसे बच्चे जिसके अंदर प्रोटीन्स की कमी है और कैलोरीज की कमी, तो आपको पता चाहिए कैलोरीज किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के अंदर ज्यादा होता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि मैरास्मस के अंदर प्रोटीन भी कम, कार्बोहाइड्रेट भी कम और फैट भी कम, तीनों चीज कम तो मैरास्मस, ठीक है। ऐसा कब होता है देखते हैं, तो इसका मोस्ट कॉमन एज ग्रुप क्या है, मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है लेस देन वन ईयर चाइल्ड, तो ऐसे बच्चों में होता है जो कि इन्फेंट होते हैं 1 साल से कम, कब, जब मदर का मिल्क को रिप्लेस कर देंगे टू अर्ली बाय अदर फूड्स विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीफिक वैल्यू। तो एक ऐसा बच्चा है जो माँ का दूध छोड़वा दिया गया, माँ उसका दूध पिलाना छोड़ दी और उसको ऐसा खाना देने लगे जो कि कहीं ना कहीं खाना में प्रोटीन और कैलोरीफिक वैल्यू की कमी है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली उस बच्चे को मैरास्मस हो जाएगा। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब मदर का सेकेंड प्रेगनेंसी हो जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जब फीमेल सेकेंड टाइम प्रेगनेंट हो जाएगी तो क्या होगा, उसके बेसिकली जब कोई भी प्रेगनेंट होता है क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में लैक्टेशन बंद हो जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो बच्चे को अपने दूध नहीं पिला पाएगी, जो छोटा बच्चा है दूसरा बच्चा के चक्कर में लग जाएगी वो। या अगला, व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, तो सपोज करो एक अगला बच्चा हो गया और पहला बच्चा छोटा है, तो दो बच्चा है, एक बच्चा 6 महीने का और एक बच्चा 1 महीने का, सॉरी एक बच्चा सपोज करो 10 महीने का और एक बच्चा सपोज करो 1 महीने का, तो कंपटीशन बढ़ गया ना, मेरा लास्ट वेस में मंचूरियन ऑर्डर होगा, ओके वेरी गुड। तो सिंपल द कॉन्सेप्ट बोलते रहो कुछ कुछ तुम लोग, ठीक है चलो। तो सिंपल द कॉन्सेप्ट क्या होगा, बच्चा सपोज करो छोटा है 10 ही महीना का और तुम अगला बच्चा पैदा कर लिए, तो इस बच्चे को तुम टाइम दोगे ना, तुम इसको टाइम दोगे, तुम इसको इग्नोर करोगे, तुम इसको इग्नोर करोगे क्या होगा, इसको इग्नोर करोगे तो इसको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं मिलेगा, वेरी गुड। तो क्या होगा, बच्चे को कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की, तो दैट इज कॉल्ड मैरास्मस, ओके। नाउ मैरास्मस की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, दोनों लाइन समझ में आ गया होगा। मैरास्मस में देखो प्रोटीन डिफिशियंसी impairs growth and replacement of tissue proteins. तो proteins की कमी होगी, तो proteins का कंसर्न बता दिया आपको क्या होता है, protein basically कहीं ना कहीं body के growth में help होता है, तो deficiencies क्या होगा, growth impair होगा, replacement of tissue proteins, जो tissue के proteins है वो replace हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो सुन लो बच्चों, प्लीज एंड प्लीज समझ लेना। tissue proteins की बात करेंगे तो basically tissue proteins की बात करेंगे तो आप लिख लेना बच्चों proteins, प्रोटीन्स की बात करेंगे बच्चों सपोज करो, तो प्रोटीन्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ अभी याद आ गया अच्छा से। तो बच्चों याद रखना बॉडी के जो भी प्रोटीन्स होते हैं सबका सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर में होता है, तो लीवर में सब प्रोटीन बनता है, लीवर में सब प्रोटीन बनता है बॉडी का, ठीक है, कौन कौन सा, सारा प्रोटीन बनता है, ओके। बट एक ही प्रोटीन नहीं बनता है, बात करेंगे तो देखो प्रोटीन तीन हमारे पास कौन कौन सा, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन और एल्बुमिन, तो ये तीनों के तीनों लीवर ही बनते हैं, बट एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, देखो ये जो ग्लोबुलिन होता है बच्चों ये तीन होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन, इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या रखना, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन लीवर ही बनता है, स्टार लगा लो बाबू इसको, नीट में आना चाहिए, तो नीट में आएगा अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन लीवर ही बनता है, बट एक गामा ग्लोबुलिन ही है ऐसा जो लीवर में नहीं बनता, ये कहां से बनता बताओ, ये बनता है प्लाज्मा सेल से, और प्लाज्मा सेल्स क्या ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, प्लाज्मा सेल्स बेसिकली बी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएटेड फॉर्म है,
बी लिम्फोसाइट से बनता है प्लाज्मा सेल। तो बेसिकली गामा ग्लोबुलिन ही ऐसा ग्लोबुलिन है जो लीवर में नहीं बनता है, बाकी सारा का सारा प्रोटीन बॉडी का लीवर बनता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रोटीन का डिफिशियंसी हो रहा है, इसका ग्रोथ खराब होगा, ठीक है, टिश्यू प्रोटीन नहीं बनेंगे, एक्सट्रीम इमेसिसन ऑफ बॉडी, इमेसिस का मतलब बहुत ज्यादा बॉडी पतला हो जाएगा, बॉडी एकदम लगेगा कि गल रहा है, ठीक है। क्यों गल रहा है? क्योंकि देखो इसके अंदर सब कुछ कम है, प्रोटीन भी कम है, कैलोरीज भी कम है, बॉडी का थिनिंग हो जाएगा, हाथ पर लंबे हो जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगा। स्किन ड्राई क्यों हो रहा है? क्योंकि पता होना चाहिए आपको प्रोटीन इंपॉर्टेंट है स्किन के हेल्दी होने के लिए। थिन हो जाएगा, रिंकल और झुर्रियां पड़ जाएंगी, पतला हो जाएगा, ग्रोथ रेट और बॉडी का वेट डिक्लाइन कर जाएगा, और इवन ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन भी घट जाएगा, और मेंटल फैकल्टीज भी इंपेयर हो जाएंगे। तो बच्चों ब्रेन का डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं डिसऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये सब के सब मेलास्मस के सिम्टम्स है, मैं आपको एक पिक दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों सिम्टम्स आपको याद करने ही होंगे। वेरी गुड आंसर, गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है, चलो अच्छी बात है, पढ़ते हो उसका मतलब सब लोग। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है मेलास्मस वाले में, तो मेलास्मस वाले में आपको सारा पॉइंट याद रख लेना होगा, जो जो लिखा हुआ है, थिनिंग विनिंग होगा, एमेसिसन ऑफ बॉडी होगा, ड्राई रिंकल्ड वगैरह होगा सब कुछ। चलो बात करें कॉसियोर्कर की, तो कॉसियोर्कर का बच्चों देखो ट्रिक क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है, एम फॉर मल्टीपल, एम फॉर मेलास्मस, कॉसियोर्कर में याद रखना बच्चों केवल एक, केवल एक, तो केवल एक क्या, वेरी गुड, केवल एक क्या, सिर्फ प्रोटीन। तो देखो यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन कम हो रहा है और बाकी चीज कम नहीं हो रहा है, प्रोटीन डिफिशियंसी अनएकोपोनाइड बाई कैलोरी डिफिशियंसी। तो देखो इसमें कैलोरी की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी है, और ये कैसे हो रहा है, देखो इसका भी वही काउज है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क। देखो मदर का दूध छुड़वा दिए और हम लोग उस बच्चे को बोले कि तू माँ का दूध मत पी, तो कैलोरिक डाइट लो, लेकिन कैलोरिक डाइट देने के चक्कर में हम लोग एक चीज भूल गए, क्या, लो प्रोटीन, उस प्रोटीन उस डाइट के अंदर प्रोटीन कम है। तो देखो बच्चे को डाइट तुम दे रहे हो लेकिन प्रोटीन उसके अंदर कम है, और किसमें हो रहा, देखो ये हो रहा है मोर देन वन ईयर एंड एज। तो बच्चों दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लेस देन वन ईयर एज है मोस्ट कॉमन, और यहाँ पर मोर देन वन ईयर है, तो दोनों में क्वेश्चन कंपेरेटिवली पूछ सकता है इस तरह से। आगे आते हैं तो मेलास्मस की बात करेंगे, तो देखो मेलास्मस की बात करेंगे तो कर चुके हैं, तो क्वासियोर्कर में भी देखो मेलास्मस की तरह क्या होगा, वेस्टिंग ऑफ मसल्स होगा, क्यों, प्रोटीन कम, प्रोटीन क्या होता है बताए ना, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, थिनिंग ऑफ लिंग, हाथ पर यहाँ भी पतला होगा, फेल्योर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन और ग्रोथ का डेवलपमेंट खराब हो जाएगा। तो ये पॉइंट लिख लो यार, बार बार मेरे क्वेश्चन आता खटकता कहीं नीट में आ गया तो क्या कर लोगे। तो बच्चों याद रखना मदर के मिल्क में, शायद बताया अभी तक, अभी मदर के मिल्क में वी हैव गॉट टू अमीनो एसिड, कौन कौन सा लिख लो, सिस्टीन एंड टोरिन। तो सिस्टीन एंड टोरिन आर टू अमीनो एसिड जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आई क्यू ऑफ बेबी। तो बच्चे का आई क्यू मदर के दूध पे डिपेंड करता है, इस दोनों अमीनो एसिड पे, ठीक है। बार बार इलिजी लिखता है तो मेरे को खटकता है कि नीट में कहीं आ गया तो क्या कर लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। फेल्योर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट अनलाइक मेलास्मस, मेलास्मस में क्या हो रहा था, मेलास्मस में पूरा का पूरा बॉडी गल गया था, देखो पूरा हड्डी हड्डी दिख रहा था उसका, सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। क्वासियोर्कर में देखो थोड़ा सा फैट रह जाता है, बच्चों क्वेश्चन नीट में आ सकता है, तो देखना यहाँ पर सम फैट स्किन के नीचे रह जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नीट में जो आना चाहिए डिट्टो, ये है जो सबसे एक्सक्लूसिव फीचर है, आप देख के बता दोगे, मैं भी जस्ट बता रहा हूँ आपको, आप देख के बता दोगे बच्चे को कि क्वासियोर्कर है कि इसको मेलास्मस है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सटेंसिव एडिमा ऑफ बॉडी, एक्सटेंसिव एडिमा होगा बॉडी का और स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स होगा। एडिमा क्यों होता है, कॉन्सेप्ट समझते हैं, एडिमा क्यों होता है हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखो बच्चों मैं आपको पढ़ा दूंगा फिर बाद में नहीं पढ़ाऊंगा इस चीज को, वहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो देखो सपोज करो बच्चों ये ब्लड वेसल है, तो एडिमा क्यों होता है हम लोग समझते हैं, तो होता क्या है बच्चों समझो, एडिमा का कॉज समझते हैं। तो ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है बच्चों, एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, पता होगा एल्ब्यूमिन बॉडी का सबसे ज्यादा कॉमन प्रोटीन है, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है, सबसे छोटा प्रोटीन भी होता है। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है, देखो एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंदर में प्रेजेंट है तो क्या होगा, एल्ब्यूमिन के कारण क्या होगा, ये हायर कंसंट्रेशन पे हो जाएगा, और एल्ब्यूमिन क्या करता है, ये मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, ब्लड प्लाज्मा मेंटेन कर रहा है, ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, या इसको आप ऑन्कोटिक भी बोल सकते हो, ठीक है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा ब्लड वेसल है, और सपोज करो बॉडी के बाहर में क्या है, बॉडी के बाहर में बच्चों सपोज करो सेल्स टिश्यूज हैं, तो होता है क्या, देखो टिश्यूज और सेल्स के बीच क्या होता है, वी हैव गॉट फ्लूड, हम लोग के टिश्यूज सेल्स के बीच फ्लूड होता है, ठीक है, फ्लूड को क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूड बोलते हैं, ठीक है। तो होता है क्या, समझो यहाँ पर बेसिकली जो टिश्यू फ्लूड है मेरा, ये टिश्यू फ्लूड, ये सॉरी, ये जो टिश्यू फ्लूड है, तो होता क्या है, ये एल्बुमिन अंदर में है, एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन का काम है हमेशा इसको हायर बना के रखेगा, और बाहर में क्या बच्चों लोअर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बोला, वाटर मूव करता कहां, हमेशा हायर टू लोअर, वाटर मूव करता हमेशा हायर टू लोअर साइड में। तो एल्बुमिन क्या कर रहा है, टू बी क्लियर देहाती भाषा में, पानी को अंदर खींच रहा है, कैसे खींच रहा है, अंदर हायर बना के बाहर लोअर करके ये पानी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब तक एल्बुमिन रहेगा तब तक पानी अंदर खींचाते रहेगा, वेरी गुड। तो जब अंदर पानी खींचेगा तो क्या होगा, बॉडी के सेल्स टिश्यूज के बीच पानी जमेगा नहीं उतना, थोड़ा बहुत रहेगा, जमेगा नहीं, मतलब बहुत एक्युमुलेट नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है, जिस बच्चे को क्वासियोर्कर होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन कम है, प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन मेन होता है, एल्बुमिन भी कम होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, वहां पर एल्बुमिन अब नहीं होगा, एल्बुमिन बच्चों अब नहीं होगा। तो अगर एल्बुमिन ही नहीं होगा तो क्या होगा, पानी अंदर खींचेगा क्या, नो,
पानी अंदर नहीं खिंचाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों, समझो अल्टीमेटली क्या होगा, टिश्यूज के चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ पानी जमने लगेगा, और जब पानी जमने लगेगा तो क्या होगा, वेरी गुड, दैट इज कॉल एडिमा, दैट इज कॉल बच्चों एडिमा, तो एडिमा हो जाएगा इसको, ठीक है, दैट इज कॉल एडिमा। एडिमा का मतलब लिख लो पेनलेस स्वेलिंग, ठीक है बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बताया, समझ में आ गया होगा। तो सिंपल द कॉन्सेप्ट है, एल्बुमिन कम है जिसकी वजह से इसका बॉडी फूल रहा है, पेट इसका तना हुआ लगेगा। देखो बच्चों पेट तना हुआ, ये अमीर नहीं है, गरीबी वाला पेट तना हुआ है, और स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स होगा, क्यों होगा, बिकॉज एल्बुमिन कम है। जब एल्बुमिन कम है तो एल्बुमिन का फंक्शन क्या है, इट मेंटेन्स द ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, और ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है याद रखना, 28 mmHg, एग्जैक्ट आंसर 28 mmHg याद रखना। कौन करता है, एल्बुमिन मेंटेन करता है, तो जिस वजह से बॉडी में स्वेलिंग होगा, ठीक है, बॉडी में इसका स्वेलिंग होगा और इसको बॉडी इसका फुल रहेगा। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आज ही तो लाया था डायग्राम, शायद देखो गूगल ड्राइव पे आ गया होगा। ओके एक सेकंड मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। और परेशान में तो कोई ज्यादा टाइम नहीं निकला, ठीक है, परेशान नहीं होना, ठीक है, हाँ ऐसा नहीं कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया हम लोग का, जो भी करेंगे बढ़िया से करेंगे, अच्छे से करेंगे। हाँ गया यार डायग्राम, ओके देखो तुम लोग एक डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है, मैं एनसीईआरटी जरा खोल लूं, एक सेकंड बाबू, एक सेकंड, डायग्राम दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम दिखाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डायग्राम देखें डिफरेंशिएट कर लोगे, अच्छा ये बच्चा कौशिकोरकर का है, ये मेरा समझ का है। देखो एक डायग्राम दिखा आपके स्क्रीन पर, एक डायग्राम दिख रहा है आप लोग स्क्रीन पर, देखो कन्फर्म करो मेरे को। तो देखो बच्चा ये मैरस्मस है, तो बोला ना मैरस्मस में बच्चा मरमरा जाएगा, ऐसा लग रहा है कि मरमरा गया वो, क्या हो रहा है देखो यहाँ पर मैरस्मस के अंदर सब चीज कम है, तो देखो यहाँ पर हड्डी हड्डी गिना जा रहा है, देखो रिब्स आप पूरा काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बॉडी पतला है, देखो हाथ पतला है, ठीक है सब कुछ पतला है, मुंह वगैरह सूखा हुआ है, कहीं पे बॉडी इसका फुला हुआ क्या, नहीं फुला हुआ नहीं है, बट देखो कौशिकोरकर का बच्चा आपको दूर से दिख जाएगा, देखो कौशिकोरकर का बच्चा में पेट फुला हुआ है, पेट तना हुआ है, ये पेट बेचा खा कर नहीं फुला हुआ, ये गरीबी वाला पेट है, ये गरीबी के कारण पेट फुला हुआ है। हाँ तो बच्चे का गलती नहीं है, बच्चे की माँ का गलती है, आपको सबको दिख रहा है ना, एक बार कंफर्म कर दो। तो बेसिकली बच्चों कौशिकोरकर में क्या हो रहा है, देखो पेट क्यों फूल रहा है, ये पेट एडिमा के कारण फूल रहा है, ऐसा नहीं कि खा खा के मोटा हो गया, ये अमीरी से नहीं फूला हुआ इसका, ठीक है, ये गरीबी वाला पेट फूला हुआ है ना। देखो बच्चों इसका हाथ पतला दिख रहा है आप लोगों को, प्रोटीन कम है ना, हाथ पतला दिख रहा है, इसके बाल को देखो, बाल क्या है इसका, ब्रिटल बाल है, बाल इसका सूखा सूखा दिख रहा है। तो बच्चों जो पेट फूला है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉट बेली, ऐड कर लेना पॉट बेली। तो पॉट बेली किसके अंदर मिलेगा, पॉट बेली कौशिकोरकर के अंदर मिलता है, कौशिकोरकर के अंदर पॉट बेली मिलता है। और देखो इस बच्चे को, देखो इस बच्चे का हड्डी हड्डी तुम गिन, बॉडी सूखा हुआ है, इसके अंदर प्रोटीन भी कम है, कार्बोहाइड्रेट भी कम है, फैट भी कम, तीनों चीज कम है। बच्चों क्लियर हो गया, तो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, तो इस तरह से क्लिनिकली पढ़ा जाता है। चलो आगे आते हैं हम लोग, एक सेकंड, समझ में आ गया, चलो तो मिसलेनियस पॉइंट्स ऐड करना शुरू कर दो फटाफट से। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक सेकेंड, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव हार्मोन्स को, तो देखो डाइजेस्टिव हार्मोन्स वाला कॉन्सेप्ट देखो, देखो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है, कुछ दिखा स्क्रीन पर बताओ, कंफर्म कर दो क्या दिख रहा है स्क्रीन पर। ओके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा हार्मोन्स वाला, ठीक है, तो बस हम लोग हार्मोन्स वाला कवर कर लेते फटाफट से। तो देखो बच्चों जीआईटी के बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, आपको हार्मोन्स में क्या पढ़ना है, एक्सक्लूसिवली पढ़ना है जो मैं बता रहा हूँ। तो पहला बच्चों गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिन के बारे में क्या आपको जानना चाहिए, गैस्ट्रिन के बारे में जानना होगा आप लोगों को, सबको दिख रहा है बच्चों, कंफर्म करो मेरे को, सब लोगों को दिख रहा है, ओके
तो गैस्ट्रिन का आपको सोर्स जाना चाहिए, कहां से निकलता है देखो, जी सेल्स, तो बताया था आपको जी से गैस्ट्रिन निकलेगा, ओके। और याद रखना कहां कहां से, देखो स्टोमिक से और ड्यूडेनम से, स्टोमिक और ड्यूडेनम से क्या निकल रहा है, गैस्ट्रिन निकल रहा है, ओके। स्टिमुलस आपको याद नहीं रखना है, स्टिमुलस आपको याद नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं। टारगेट क्या, देखो गैस्ट्रिन क्या करेगा, स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जो एग्जैक्टली बता रहा हूँ आपको डेट तो याद रखना है। अरे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, कन्फर्म तो कर दो। नहीं आ रहा, तो ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, वेरी गुड। और सिक्रेशन ऑफ एससीएल को स्टिमुलेट करेगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलो आगे आते हैं। नाउ सेकंड है, सेकंड है कोलियोसिस्टोकाइनिन। तो कोलियोसिस्टोकाइनिन क्या कर रहा है, देखो सीसीके, ये कहां से निकल रहा है, ड्यूडेनम और सीसीके सेल से, ठीक है, ड्यूडेनम और सीसीके सेल से निकल रहा है। तो ये आप ध्यान रख लोगे, ये फंक्शन स्टिमुलस याद नहीं करना, याद रखना गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, और जैसे गॉल ब्लैडर टूटेगा तो क्या होगा, बाइल रिलीज निकलेगा, बाइल रिलीज होगा। अरे बच्चों दिख रहा है कि नहीं, कोई बताओ तो एक बार। अरे यार मेरे को अपने फोन में देखने के लिए फिर से, ओके दिख रहा है यार, बोला करो यार, बार बार अपने फोन में देखना पड़ता है। चलो तो बच्चों याद रखना सीसीके का फंक्शन गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ तीसरा बच्चों सेक्रेटिन, सेक्रेटिन का फंक्शन क्या, देखो सेक्रेटिन के बारे में याद रखना बच्चों, सेक्रेटिन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, इट इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन बाय साइंटिस्ट। तो ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है, ठीक है, कहां से निकल रहा है, देखो ड्यूडेनम से निकल रहा है, ड्यूडेनम से, सेल्स का नाम आपको याद नहीं करना, ड्यूडेनम से निकल रहा है, काम नहीं इसका। क्या करता है देखो, सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट फ्रॉम पैंक्रियाज, बताया था ना हम लोगों को, पैंक्रियाज से क्या निकलता है, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन, क्यों निकलता है, ताकि वो ड्यूडेनम को बचा सके और अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर सके। तो कौन निकलता है, सेक्रेटिन निकलता है। तो सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट फ्रॉम पैंक्रियाज, वेरी गुड। अगला है सेकंड फंक्शन, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट करेगा। और तीसरा क्या है, लीवर को स्टिमुलेट करेगा बाइल जूस के सिक्रेशन के लिए। बच्चों ये तीनों आपको याद करना होगा, स्टार लगाना नीट में आ सकता है, ठीक है। सेक्रेटिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी में चार दे रखा है, आपको चारों में पढ़ा रहा हूँ, बाकी चीज थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूंगा जो बताने का काम है। अगला बच्चों देखो जीआईपी, जीआईपी नाम ही लगा हुआ क्या, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये कहां से निकल रहा है, ड्यूडेनम से निकल रहा है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो ये क्या करता है, देखो नाम ही में लगा हुआ इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं इनहिबिट करेगा किसको, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी, तो पेट के सिक्रेशन को और मोटिलिटी को इनहिबिट करेगा, ठीक है, ये बच्चों आपको पॉइंट रखना होगा। तो क्या करेगा, फूड के पैसेज को स्लो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बच्चों ड्यूक्रोरिन, आपसे कोई नहीं पूछेगा, छोड़ दो उसको। अगला है एंट्रोक्रिनिन, कोई नहीं पूछेगा आपसे, वो भी कोई नहीं पूछेगा आपसे, एक सेकंड, वो भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगला है बच्चों विलिकाइनिन, वो भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगला है बच्चों वैसो इंटेस्टिनल पेप्टाइड, वो भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। और इंट्रोगेस्ट्रोन, ये भी कोई आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो एक इंट्रोगेस्ट्रोन ध्यान रख लेना, इंट्रोगेस्ट्रोन एक ऐड कर लो, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशंस को, तो दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू, ठीक है बच्चों, ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट। तो बच्चों हार्मोन्स में बस आपको ये चार जानना था जो मैं आपको बता दिया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे इसका, नहीं लिए होगे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट एक बार ले लो इसका जल्दी से, मैं आपके स्क्रीन पर लगा दिया हूँ। बच्चों आपको हार्मोन्स वाला टॉपिक इतना ही पढ़ना है जितना मैं बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे अब तक। चलो हम लोग आगे देखते हैं, ओके। नो हार्मोन्स के अलावा अब आगे डालो हेडिंग वाइटामिन्स। तो अगला बच्चों हम लोग को पढ़ना है वाइटामिन्स, ठीक है। हम लोग मिसलेनियस पॉइंट सारा कवर करेंगे, कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, कुछ हम लोग छोड़ेंगे नहीं, परेशान नहीं होना आपको उसके लिए। एग्जैक्टली मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको पढ़ना है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा नीट में। ओके तो देखो आपके सामने विटामिन दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। चलो विटामिन में आपको पता होना चाहिए, विटामिन के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, क्या क्या होता है, पहला होता है बच्चों फैट सोलेबल विटामिन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, वाटर सोलेबल विटामिन। तो डिफरेंस क्या होता है, फैट सोलेबल विटामिन फैट में डाइजेस्ट होगा, तो देर इज समथिंग कॉल्ड वाटर सोलेबल और देर इज समथिंग कॉल्ड फैट सोलेबल। तो फैट सोलेबल कौन कौन से हैं, विटामिन ए डी ई के, तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा। और बाकी क्या है बच्चों, वाटर सोलेबल है, वाटर सोलेबल कौन कौन से, देखो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन और सी वाले। तो बात करेंगे बच्चों बी कॉम्प्लेक्स में, तो देखो सबसे पहले हम लोग रखेंगे बी वन, एक्जैक्टली जो बता रहा हूँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वही आपको याद करना है, बाकी चीज याद नहीं करना है। बी वन को हम लोग क्या बोलते हैं, थियामिन बोलते हैं। देखो बच्चों ये थायमिन नहीं, ये थियामिन है, ये थायमिन नहीं है, थायमिन नाइट्रोजन बेस्ड, थियामिन है, सोर्स को मतलब नहीं, कोई नहीं पूछेगा। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, आपको याद रखना होगा, बेरी बेरी होता है, इसको ध्यान रख लोगे। चलो आगे आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। अगला बच्चों विटामिन बी टू को हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और इसको हम लोग येलो एंजाइम बोलते हैं, ये पूछ सकता है, ठीक है, येलो एंजाइम। तो विटामिन बी टू को येलो एंजाइम बोलते हैं, कहाँ से मिलेगा आपको कोई मतलब नहीं है, याद रखना बच्चों विटामिन बी टू का कमी से सीरोसिस होता है, ठीक है, याद रख लोगे।
ठीक है, सिम्टम्स वगैरह कोई नहीं पूछेगा। और बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये होता है पार्ट ऑफ कोएंजाइम FN, MN, FAD इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, जो FMN होता है और FN, FAD होता है, उसका ये पार्ट है। ठीक है, चलो इसको ध्यान रख लोगे। आगे आते हम लोग, तो बच्चों ये हो गया आपका विटामिन दो कवर। ठीक है, हम लोग कवर कर लेंगे फटाफट से, टेंशन मत लो। ओके, नाउ आगे देखो, नाउ और कुछ विटामिन देख लो फटाफट से आपको एग्जैक्टली क्या क्या जाना है, क्योंकि देखो विटामिन तो क्वेश्चन फ्री का आता है और वो मेमोरी बेस्ट है, आपको याद होगा तभी बनेगा, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो ऐसा पछताना नहीं है हम लोग को, हम लोग को छोड़ नहीं सकते। तो अगला है बच्चों विटामिन का, देखो ओके, थोड़ा सा बच्चों कॉपरेट कर लो, दिख जाएगा आपको। ठीक है, जितना काम लायक है आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, काम चल जाना चाहिए इतने से, मैं कोशिश कर रहा हूँ और बड़ा करने का, और बड़ा नहीं हो रहा है, ट्राई करो दिख जाएगा आपको। ठीक है, चलो देखो बच्चों ये क्या है, अगला है विटामिन बी थ्री। ठीक है, विटामिन बी थ्री में कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन सकता है, विटामिन बी थ्री का बस नाम को ध्यान हो गया, इसको नियासिन बोलते हैं, इसको नियासिन। ओके, नियासिन, चलो ठीक है। ओके, अगला है बच्चों पेलाग्रा, विटामिन बी थ्री कमी से क्या होता है, पेलाग्रा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना बच्चों, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंसिया एंड डेथ। तो बच्चों याद रखना, फोल्डी सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है, तो क्या जाएगा विटामिन बी थ्री के। अब बच्चों याद रखना विटामिन बी थ्री क्या है, विटामिन बी थ्री पार्ट है कोएंजाइम कौन सा, एनएडी एंड एनएडीपी का। तो ये कोएंजाइम एनएडी और एनएडीपी का पार्ट है, जो कि एक्ट करता है हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड डोनर। ठीक है, ओके, और फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी हेल्प करता है ये। तो पॉइंट बच्चों याद रख लोगे, कोएंजाइम एनएडी और एनएडीपी का ये पार्ट है। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स होते हैं, आपको पता होगा सब चीज, पढ़े भी आप लोग। चलो अगला बच्चों विटामिन बी फाइव, B5 को हम लोग बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पैंटोथेनिक बोलते हैं, मैक्सिमम होता है ये वीट और हनी में, याद रख लोगे, मैक्सिमम वीट और हनी में होता है। बर्निंग फिट सिंड्रोम कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ये सब कोई नहीं पूछने वाला, काट दो। अगला बच्चों विटामिन बी सिक्स को हम लोग बोलते हैं पाइरिडॉक्सिन, इंपॉर्टेंट है बच्चों, विटामिन बी सिक्स को हम लोग बोलते हैं पाइरिडॉक्सिन। ये कहाँ मिलता है कोई नहीं पूछेगा, ये कोई नहीं पूछेगा, ये कोई नहीं पूछेगा, ये भी कोई नहीं पूछेगा। अगला बच्चों विटामिन बी नाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन बी नाइन को हम लोग फॉलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली कहाँ मिलता है बच्चों, लीवर और ग्रीन वेजिटेबल्स मिलता है। विटामिन बी नाइन की कमी से क्या होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया बच्चों इंपॉर्टेंट है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है, देखो आरबीसी बेसिकली बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, आरबीसी लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था पीएमटी में, तुम लोग खुद आंसर दोगे इसका। क्वेश्चन था क्या बच्चों, सुनो क्वेश्चन था कि एक आदमी है, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज पढ़ाना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। चलो, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया, वेरी गुड, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। बच्चों याद रखना विटामिन बी नाइन का फंक्शन है इरिथ्रोपोएसिस, और अगला लिखो सेल डिवीजन इन बोन मैरो। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रख लोगे, दोनों का दोनों फंक्शन याद रख लोगे, इरिथ्रोपोएसिस का मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन। चलो अगला बच्चों विटामिन बी ट्वेल्व, हम लोग क्या बोलते हैं साइनोकोबालामिन, पढ़ा चुका हूँ, कहाँ मिलता है ये, लीवर और एग्स में, और क्या बोला था बताओ, स्पाइरुलिना में। स्पाइरुलिना क्या होता है, एक अलगी होता है। लीवर कौन सा, गोल्ड के लीवर में सबसे ज्यादा मिलता है, और स्पाइरुलिना सबसे ज्यादा मिलता है। नाउ विटामिन बी ट्वेल्व कमी से क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो पर्निशियस एनीमिया और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो आपको मिनिमम ये आना चाहिए। तो पर्निशियस एनीमिया या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, अंतर क्या दोनों में, दोनों में देखो अंतर क्या बच्चों, दोनों में के अंदर क्या हो रहा है, समझ लो अंतर, दोनों में विटामिन बी ट्वेल्व कम है, दोनों में विटामिन बी ट्वेल्व कम है, अंतर यही है कि पर्निशियस एनीमिया क्या होता है, ये ऑटो इम्यून होता है, ये बच्चों ऑटो इम्यून होता है, और मेगलो, और ये बच्चों क्या है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, इट इज नॉट ऑटो इम्यून, बच्चों ये ऑटो इम्यून नहीं है। ठीक है, यही अंतर होता है, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है, दोनों में विटामिन बी ट्वेल्व वाले के कारण एनीमिया हो रहा है, एक ऑटो इम्यून है और एक ऑटो इम्यून नहीं है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो देखो बच्चों क्या होगा, आरबीसी क्या हो जाएगा, आरबीसी इसमें आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, आरबीसी बड़ा दिखेगा, तो क्या है, देखो लार्ज एंड इमैच्योर आरबीसी, क्यों भाई, बताया था ना विटामिन बी ट्वेल्व का फंक्शन क्या, विटामिन फंक्शन बी ट्वेल्व का मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को बच्चों ये मैच्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी नहीं होगा, वेरी गुड। चलो ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ओके बच्चों ठीक है। तो देखो नीट में क्वेश्चन क्या था, आंसर खुद आप लोग दे दोगे, नीट में क्वेश्चन था कि एक आदमी, उसका आरबीसी बहुत बड़ा बड़ा है, उसका एनेमिया है, तो उसको हम लोग क्या क्या चीज का टैबलेट देंगे, आंसर क्या क्या था, उसका आंसर क्या था, उसको हम लोग देंगे फॉलिक एसिड प्लस साइनोकोबालामाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया था, उसको हम लोग फॉलिक एसिड देंगे, क्योंकि फॉलिक एसिड भी क्या करता है, इरिथ्रोपोएसिस करता है, और हम लोग साइनोकोबालामाइन देंगे, तो बड़ा बड़ा उसका आरबीसी था जो टूट जाता था आसानी से, क्वेश्चन नीट में आया हुआ है 10-15 साल पहले, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं बच्चों, आगे विटामिन सी और विटामिन डी, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेते रहना और आराम से लिखते रहना। चलो, तो विटामिन 12 हो गया हम लोग का, विटामिन अगला है बच्चों
विटामिन सी, विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। कहाँ मिलेगा, सिट्रस फ्रूट्स में, आमला वगैरह में, नींबू मरंग है। इसकी कमी से क्या होगा, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है बच्चों, स्कर्वी में होता है ब्लीडिंग गम्स। तो बच्चों ब्लीडिंग गम्स होगा, चाहिए तो आगे लिखा हुआ, मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। बच्चों याद रखना इसका फंक्शन क्या है, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं ये एथ्रोपोसिस में भी हेल्प करता है, याद रखोगे। और विटामिन बी सी का लिख लो बच्चों, विटामिन सी बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लिख लेना, कोरोना वायरस को लेकर पूछ सकता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगला लिखना बच्चों, विटामिन सी बेसिकली हम लोग कॉमन कोल्ड में यूज करते हैं, कॉमन कोल्ड में यूज करते हैं, तो इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। वेरी गुड आंसर गौरव कुमार मिश्रा, बहुत अच्छा आंसर दे रहा हूँ। तो ये कॉमन गोल्ड में यूज करते हैं बच्चों। अगला है विटामिन डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिफेरॉल। पूरा नाम लिख लेना इसको बच्चों, पूरा नाम लिख लेना, 125 लिख लो, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफेरॉल, इसका पूरा नाम होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन डी का फंक्शन क्या है, देखो विटामिन डी का फंक्शन है, अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, रिकेट्स। तो बच्चों में रिकेट्स होगा और बड़ों में क्या होगा बच्चों, मार्क करना, ऑस्टियोमेलेसिया होगा। तो रिकेट्स ऑस्टियोमेलेसिया में क्या होता है बच्चों, याद रखना, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, हड्डी कमजोर हो जाते हैं, हड्डी गल जाते हैं, ठीक है, हड्डी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, ठीक है। देखो देखो वीक एंड सॉफ्ट बोन्स, ठीक है, ठीक है बच्चों, याद रख लो इसको, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट विटामिन डी, उसको बच्चों आपको इतना ही याद रखना है, आपको विटामिन वाले में इतना याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड बच्चों, चलो तो ये आपका हो गया विटामिन का पार्ट टू। बस बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग को मिसलेनियस पॉइंट्स ऐड करना है, कुछ पॉइंट्स हम लोग को ऐड करना है, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। इसको जाना है वो जा सकते हो, क्योंकि बार बार क्लास होती नहीं है, ठीक है। तो विटामिन हम लोगों ने वन कर लिया, हम लोगों ने टू कर लिया, ओके नो, थोड़ा सा और बचा हुआ देख लेते हैं। तो इसे देखो चार्ट बना बनाया, ठीक है, लाइक लिखने को तो हम लिख देंगे बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ओके। चलो देख लो ये वाला लास्ट स्लाइड है, तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विटामिन ई, तो विटामिन ई का लिख लेना, विटामिन ई का पता होगा, विटामिन ई का हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉल, इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ई क्या है, विटामिन ई से क्या होता है, जो भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो बॉडी के मैच्योर होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या करता है, कहीं ना कहीं स्टेराइल होने से बचाता है, तो हम लोग बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, या लिख लेना बच्चों इसी ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलिटी विटामिन, तो फर्टिलिटी विटामिन भी है। अगला लिखना ब्यूटी विटामिन भी है, विटामिन ई से स्किन का टोन बढ़ता है, स्किन में चमक आता है, तो विटामिन ई इज आल्सो ब्यूटी विटामिन, इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई की कमी से क्या होगा, लिख लो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा। और लिखना बच्चों विटामिन डी क्या है, विटामिन डी एक एंटी ऑक्सीडेंट है, एक एंटी ऑक्सीडेंट है, बाकी चीज आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। चलो आगे आते हैं, बात करेंगे विटामिन ए का, तो विटामिन ए लिखना, विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं, तो देखो बच्चों विटामिन ए का तीन नाम होता है, रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। तो रेटिनॉल भी होता है ये, रेटिनल भी होता है और रेटिनोइक एसिड भी होता है, और सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, रेटिनॉल है। ऑल में क्या देखो, अल्कोहल है, अल में क्या एल्डिहाइड है, और एसिड वाले में क्या है, सी डबल ओ एच ग्रुप है। जब आप मेडिकल कॉलेज जाओगे तो आपको तीनों चीज पढ़ाया जाएगा, बट आप लोगों के बुक में एक चीज लिख छोड़ दिया। तो याद है बच्चों विटामिन ए का तीन टाइप होता है, रेटिनल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड, आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज अगर आएगा तो, ठीक है। नो विटामिन ए का क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा, शाम में लोगों को दिखेगा नहीं, अंधेरा में दिखेगा नहीं। अगला बच्चों क्या, जेरोप्थैल्मिया, लिख लेना, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, बच्चों जो कॉर्निया होता है वो सूख जाता है, दैट इज कॉल्ड जेरोप्थैल्मिया, ये किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, विटामिन ए क्या करता है, प्रिवेंट क्रिटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल लेयर, जो बच्चों एपिथेलियल लेयर्स होता है, बच्चों इंपॉर्टेंट स्टार लगाना, एपिथेलियल लेयर के क्रिटिनाइजेशन से बचाता है, उसको मोटा होने से बचाता है, ठीक है। अगला बच्चों विटामिन के, तो के फॉर कोगुलेशन, के फॉर कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब बेसिकली ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, तो बच्चों का फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो इसकी कमी से क्या होगा, सीवियर ब्लीडिंग होगा, खून रुकेगा नहीं, बहुत लंबे टाइम तक बहते रह जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, ओके ओके, बाकी सब चीज कोई नहीं पूछता आपसे। विटामिन एच याद रख लो, विटामिन एच को हम लोग बायोटिन बोलते हैं, और बच्चों इसकी कमी से होता है डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन होता है, ठीक है। और लिख लो बच्चों अगला चीज, हेयर फॉल, तो बेसिकली विटामिन बायोटिन की कमी से हेयर फॉल होता है और डर्मेटाइटिस होता है, ये सब आपसे कोई नहीं पूछेगा, सब आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है बच्चों, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। चलो जो मैं कार्ड दिया आपसे कोई नहीं पूछेगा ना बच्चों, देखो नीचे में एक टॉपिक दे रखा है जो कि मिसलेनियस टॉपिक है, जो कि हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं, आपको ये छोड़ना नहीं है। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो तीन मिनट का चीज है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचर का मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट क्या है, विटामिन ई है। एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब वो चीज जो ऑक्सीडेशन को रोकता है, किसके ऑक्सीडेशन को, सेल्स के ऑक्सीडेशन को रोकता है। देखो सेल्स जो होते हैं बच्चों, सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता रहता है, इसको रोकता है कौन, विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स, एग्जांपल विटामिन ए याद रख लोगे। अब विटामिन बी ट्वेल्व बता चुका हूँ, स्पाइरुलिना में मिलता है, बकवास। एंटी कैंसर विटामिन तीन होते हैं, याद रख लोगे, ए बी 17 और सी, तो तीन एंटी कैंसर विटामिन है, आपको याद रखना होगा। ना बात करेंगे कैटल्स की बच्चों, तो याद रखना कैटल्स के अंदर हम लोग के क्या, हम लोग के अंदर पेट में एक ही चैम्बर है, कैटल्स के पेट में बच्चों चार चैम्बर होता है,
तो चारों चैम्बर आपको सब याद नहीं करना, आपको याद रखना है, पहला याद रखना है कि ट्रू स्टोमिक कौन सा है। आस्था अगर तुम देख रही हो तो बताना, तुम पूछी थी मेरे से क्वेश्चन। तो ट्रू स्टोमिक क्या होता है, ट्रू स्टोमिक क्या होता है बच्चों, एवोमेसम होता है। एवोमेसम को ट्रू स्टोमिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसी के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस। यस, तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है, एवोमेसम में होता है, इसको हम लोग ट्रू स्टोमिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, याद रख लोगे। नाउ अगला पूछेगा बच्चों आपसे, लार्जेस्ट चैम्बर क्या है, लार्जेस्ट चैम्बर क्या है, र्यूमेन है। स्मॉलेस्ट चैम्बर क्या है, रेटिकुलम है। तो आप कुछ याद ना करो, करो बट आपको एक चीज मिनिमम याद रखना है, ट्रू स्टोमिक क्या होगा। तो ट्रू स्टोमिक क्या बच्चों, एवोमेसम है, इसको हम लोग रेनिन बोलते हैं। और आपको बताना चाहिए क्या कि बेसिकली कैटल्स के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं लाइक र्यूमिनोकोकस। बेसिकली र्यूमिनोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। कैसे, बाय द एंजाइम कॉल्ड सेलुलेज। सेलुलेज क्या कर रहा है, सेलुलोज का डाइजेशन करवा रहा है, सेलुलोज का डाइजेशन करवाता है। ठीक है बच्चों, दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आपको इतना ध्यान रखना होगा, इतना ध्यान रखना होगा। और देखो कैटल्स के अंदर क्या होता है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होता है। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस का मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते तो हम लोग खाना क्या होता है, अल्टीमेटली नीचे आता है। बट कैटल्स के ऊपर पास खासियत क्या है कि खाना को वापस मुंह में ला सकते हैं। तो आप देखे होंगे कैटल्स को, कैटल को जुआली करते देखे होंगे, जुआली करते हुए, जुआली बोलते जो भी बोलते होंगे, तो वो मुंह में खाना लाके कंटिन्यू, जो आराम से बैठा होता है तो वो कंटिन्यू अपने विल पावर से खाना को लाता है और वहां पे खाना को चबाते रहता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मिलते हैं, एग्जांपल बता दिया, र्यूमिनोकोकस जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो दैट इज बच्चों ऑल अबाउट द विटामिन। ठीक है, विटामिन के बारे में आपको बस इतना ही जानना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना और बाकी चीज आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब बच्चों एक मिनरल वाला टॉपिक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, टाइम हमारे पास इनफ है, हम लोग आज न्यू चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, बट हम लोग का जो जो चीज ऐड करना है वो हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, हाँ हम लोग ऐड करेंगे, छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं कुछ भी। ठीक है, ओके, चलो लास्ट वर्ड नॉट द लिस्ट, मिनरल्स। तो मिनरल्स में भी आपको एक्सक्लूसिवली बस दो तीन लाइन में अंडरलाइन करवाऊंगा, वो आपको याद रखना है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना नहीं है। तो मिनरल्स से बच्चों पहला कैल्शियम है, बता दिया, कैल्शियम कमी से रिकेट्स होगा और ऑस्टियोमेलेसिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ओके। ना कैल्शियम का फंक्शन पता होगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, और हार्ट फंक्शन में इसका हेल्पफुल होता है, अंडरलाइन करना, बोन और टीथ का ये पार्ट होता है। अगला बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन काट दो, कोई मतलब नहीं है, नहीं पूछेगा। मैग्नीशियम मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। आयोडीन ग्वाइटर होता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना। और आयोडीन क्या है, कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन होता है। आयरन लिखना, आयरन की कमी से क्या होगा, एनेमिया होगा, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान रख लोगे, क्योंकि ये बनाता क्या, हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी एंजाइम लाइक साइटोक्रोम में भी आयरन का कंपोजिशन होता है। तो बात करेंगे बच्चों फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस क्या करता है, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। अगर कमी हो जाएगा फॉस्फोरस का तो दांत आपके गलने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, फॉस्फोरस डीएनए का कंपोनेंट होता है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलिए वेरी गुड। अगला बच्चों पोटासियम, कोई दिक्कत नहीं, काट दो, कोई नहीं पूछेगा। अगला बच्चों सोडियम, सोडियम की कमी से क्या होता है, सोडियम की कमी से होता है मस्कुलर क्रैम्प्स, मस्कुलर क्रैम्प ध्यान रख लोगे, आगे बाकी कोई नहीं पूछेगा। सल्फर वाला भी बाकी चीज कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से। जिंक लिखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक की कमी से क्या होता है, वीक इम्यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। जिंक वाला में लिख लेना, जिंक इज यूज इन, लिख लो, जिंक इज यूज इन डायरिया। तो बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे आपसे पूछेगा कि कौन सा मिनरल हम लोग डायरिया के पेशेंट को देंगे, तो क्या जाएगा, जिंक देगा। डिट्टो याद रख लो, इस लाइन को इंपॉर्टेंट है, डिट्टो याद रख लोगे। तो ORS के अलावा हम लोग क्या देते हैं, याद रखना, जिंक देते हैं। देखो सर नीट में आ सकता है डायरेक्टली। ठीक है ना बच्चों, अगला है कॉपर, तो कॉपर भी कोई खास नहीं है आपके लिए, कॉपर भी आपसे नहीं पूछेगा। एक सेकंड, मैं इसको सेट कर दूं जरा, ओके। तो देखो सब कुछ हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग कुछ छोड़ नहीं रहे। ठीक है, कॉपर, तो कॉपर में बच्चों लिख लेना, कॉपर एनेमिया इससे भी हो जाएगा और डैमेज ऑफ CNS हो जाएगा। ठीक है, नो कॉपर बेसिकली लिखना बच्चों, कंपोनेंट होता है किसका, साइटोक्रोम A3 इन द ATS। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का, इसको बच्चों ध्यान रख लोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है। कोबाल्ट बता दिया क्या, साइनोकोबालामिन होता है, पर्निसियस एनेमिया हो जाएगा इससे। और फंक्शन क्या है, विटामिन B12 का कंपोजिशन है और एथ्रोपोसिस में हेल्प करता है। क्रोमियम कोई नहीं पूछेगा आपसे। सेलेनियम याद रखना बच्चों, सेलेनियम की कमी से होता है लीवर नेक्रोसिस और वास्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक ध्यान रख लोगे। फ्लोरीन की कमी से क्या होता है बच्चों, फ्लोरीन की कमी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन के एक्सेस से क्या होता है। तो अगर गलती से सपोज करो कोई टूथपेस्ट में फ्लोराइड ज्यादा है, पढ़े हो ना क्वेश्चन, पढ़े हो आप लोग पार्ट्स पर मिलियन वाला, सपोज करो कोई टूथपेस्ट में अगर फ्लोरीन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये दांत को खराब कर देगा। क्या करेगा, देखो, मॉडलिंग ऑफ टीथ एंड डिफॉर्मिटी ऑफ बोन, तो हंच बैक कर देगा। हंच बैक का मतलब कुबड़ निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली एनामेल और डेंटाइन को मेंटेन करता है, बट सपोज करो ज्यादा फ्लोरीन कोई खा लेगा तो आपके दांत को खराब कर देगा। मैंगनीज आपसे कोई नहीं पूछेगा, मॉलिब्डेनम कोई नहीं पूछेगा बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मिनरल्स। ठीक है, तो बच्चों ये आपको मिनरल्स के बारे में इतना ही पढ़ना था। चलो, तो फटाक से
अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं क्लास खत्म करता हूँ, ठीक है? तो हेडिंग डालो सम मिसलेनियस पॉइंट्स, ठीक है? जो कि क्वेश्चन छूट जाता है अक्सर डिस्कशन के टाइम में, मेरे से भी बताने में छूट जाता है अक्सर, ठीक है? उसको फटाफट से लिखना शुरू कर दो। हाँ, वेरी गुड आंसर, फ्लोरोसिस होता है, ठीक है? चलो बच्चों आगे, तुम लोग बताओ न्यू चैप्टर पढ़ना है कि पढ़ना नहीं पढ़ना? आज न्यू चैप्टर पढ़े कि हम लोग छोड़ दें आज? तुम लोग बताओ खुद से, देखे जरा कितना तुम लोग आंसर आता है। तो बच्चों मिसलेनियस पॉइंट्स लिखना शुरू कर दो फटाफट से। तो बच्चों पहला लिख लो, जो कि मैं खुद कलेक्ट करके लाता हूँ तुम लोगों के लिए। तो पहला बच्चों ऑर्गेनिक, तो फूड में पूछेगा आपसे ऑर्गेनिक पार्ट क्या क्या होता है। देखते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक पार्ट है। चलो एक सेकेंड, अगला लिखो बच्चों फैट, अगला लिखो फैट, फैट मतलब लिपिड्स की बात कर रहे हैं। अगला लिखो बच्चों प्रोटीन, अगला लिखो विटामिन। तो ये सब बच्चों के ऑर्गेनिक पार्ट। अगला लिखो बच्चों इनऑर्गेनिक पार्ट क्या क्या होते हैं फूड में। इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं लिख लो मिनरल एंड वाटर। तो बच्चों ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, ठीक है? चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके ओके, ये बता दिया मैं आपको, सब बता दिया। आज छोड़ देते हैं, आज छोड़ देंगे, ठीक है? छोड़ देंगे। तुम लोग पता नहीं क्यों बोर हो रहे हो, क्लास बोरिंग है क्या? बताओ यार, तुम लोग कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं तो बस बेस्ट देना चाह रहा हूँ अपना, ठीक है? स्पीड थोड़ा स्लो है आज, कोई डाउट नहीं, हम लोग सब कुछ खत्म कर लिए हैं, इसलिए हम लोग स्लो ले जा रहे हैं। जो जो मेरे को ऐड करवाना है मैं आपको ऐड करवा देता हूँ। बच्चों लिखो लीवर, लीवर बच्चों इंपॉर्टेंट है, लीवर जितना भी पढ़ो उतना कम है, लीवर है बच्चों जितना भी पढ़ो उतना कम है। तो लीवर के बारे में लिखना शुरू करो फटाफट से। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाने के लिए लाया हूँ खुद, एक सेकंड में बता रहा हूँ जरा। ओके बच्चों, तो लीवर के बारे में लिखो, लीवर आपको बता दिया था क्या? लीवर आपके बॉडी का 1.2 to 1.5 केजी का है। लीवर के अंदर कफर सेल्स होते हैं, ये पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है? इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको क्या क्या लिखना है। तो लिखो बच्चों पहला लीवर का फंक्शंस लिखो। तो लिखो पहला सिंथेसिस ऑफ हेपरिन, सिंथेसिस ऑफ हेपरिन। हेपरिन क्या होता है? हेपरिन इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट, इट इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट। तो ये कहाँ बनेगा? लीवर के अंदर बनेगा, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है? आगे लिखो फटाफट से, लिख लो अगला सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो बच्चों जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो लीवर बनाता है, ठीक है? एक्सेप्ट हम कौन बताया? एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन सबके सब प्रोटीन को बनाएगा, ठीक है बच्चों? अगला लिखो लीवर के अंदर हेमेटोपोएसिस भी होता है, लीवर के अंदर हेमेटोपोएसिस भी होता है। हेमेटोपोएसिस का मतलब आरबीसी की बात कर रहे हैं, बनेगा इरेथ्रोपोएसिस कर लो या दोनों कर लो, तो आपको पता होना चाहिए क्या? देखो आरबी बच्चे के अंदर, कोई भी इंसान के अंदर आरबीसी कहाँ कहाँ बनता है? पहले बनता है यॉर्क सैक में, ठीक है? उसके बाद बनता है लीवर में, और फाइनली कहाँ बनता है बच्चों? रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। तो सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो देखो लाइफ के कुछ पार्ट ऑफ टाइम में, लाइफ के कुछ टाइम में लीवर में भी बनता है क्या? आपका ब्लड, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है बच्चों? अगला पॉइंट लिख लेना बच्चों, अगला पॉइंट लिख लो लीवर के अंदर बेसिकली क्या होता है। लीवर के अंदर होता है लिखो ग्लूकोज का मेटाबोलिज्म। ग्लूकोज का मेटाबोलिज्म क्या क्या होता है ये हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो हाँ, कल का टाइम सेट कर लेते हैं, कल का टाइम हम लोग सेट कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। बच्चों अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिख लो यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल भी लीवर में होता है, ठीक है? हम लोग यूरिया साइकिल अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो ये वाला पॉइंट आपका हो गया, ये भी हो गया, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। प्रूडनेस ग्लैंड पढ़ा दिया, एनएस भी पढ़ा दिया, ओके ओके ओके, बाइल का सीक्रेशन बता दिया हूँ, फैगोसाइटिस करता है। और अगला लिख लो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। तो बताना होगा, देखो बीटा कैरोटीन एक चीज होता है, बीटा कैरोटीन बेसिकली क्या होता है? विटामिन ए बनता है, कहाँ पर? लीवर के अंदर, ठीक है? विटामिन ए के अंदर, लीवर के अंदर बनता है। बच्चों ये आपको आना चाहिए था। चलो मैं आगे देखता हूँ, पांच मिनट में छोड़ दो ना, कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, क्योंकि अक्सर से छूट जाते हैं, मेरे डिस्कशन के टाइम में छूट जाते हैं। बच्चों अगला लिख लो बाइल जूस का पीएच कितना होता है, याद ना बच्चों? बाइल जूस का पीएच होता है 7.4 to 7.6, ये कितना है? अल्कलाइन होता है, ठीक है बच्चों? याद रख लोगे ना। अगला लिखो बच्चों पैंक्रेटिक जूस, तो बात करेंगे बच्चों पैंक्रेटिक जूस की। तो पैंक्रेटिक जूस लिखना कितना बनता है? 1 to 1.5 liter पर डे। ये किसके इक्वल है? यस, इक्वल है एग्जैक्टली सेलेवरी जूस के। तो सेलेवरी जूस भी एक दिन में इतना ही बनता है जितना पैंक्रेटिक जूस बनता है, दोनों को हम लोग साथ लिखते हैं याद करने के लिए। ना पैंक्रेटिक जूस की बात करेंगे बच्चों, तो पैंक्रेटिक जूस का पीएच लिख लेना 7.5 to 8.3 होता है पीएच होता है, ठीक है बच्चों? दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आगे देखते हैं बच्चों, तो समझना बच्चों एसटीएफसिन क्या होता है, समझते हैं। एसटीएफसिन का मतलब होता है फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा बार बार, ऑफ पैंक्रेटिक जूस। तो देखो पैंक्रेटिक जूस के अंदर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो भी होता है कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? एसटीएफसिन। बट एनसीईआरटी बस एक देके छोड़ दिया क्या? लाइपेज। एनसीईआरटी बस एक देके छोड़ दिया लाइपेजेज। इसके अलावा आपको दो याद रखना होगा बच्चों, एक याद रख लो फॉस्फोलाइपेजेस। तो बच्चों देखो पैंक्रेटिक जूस के अंदर जितने भी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसटीएफसिन बोलते हैं। एनसीईआरटी एक लिख के छोड़ दिया, कौन सा? लाइपेजेस लिख के छोड़ दिया। बट हम लोग को बच्चों एक आज और याद रखना होगा। चलो बच्चों और देख लेते हैं। तो क्या बोला था बच्चों याद करो मैं,
ये कोई पूछे नहीं। देखो बच्चों न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, तो न्यूक्लिक एसिड हम लोग का अंत में क्या बना था, न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले अंत में क्या बना था, नाइट्रोजन बेस बना था, वेरी गुड। और क्या बना था, सुगर बना था, वेरी गुड। और क्या बना था, फॉस्फेट बना था। तो बच्चों आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब रैंक रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है। देखो नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, एक होता है क्या बच्चों प्यूरिन और एक होता है क्या बच्चों पाइरिमिडिन। तो आपसे पूछेगा कि प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है और पाइरिमिडिन के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, तो बच्चों को ध्यान रखना होगा। तो याद रखना बच्चों प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से अंतिम में बनता है क्या, यूरिक एसिड, स्टार लगाना, ठीक है, सब रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है। तो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है यूरिक एसिड, और बात करेंगे पाइरिमिडिन से, तो लिखना बच्चों पाइरिमिडिन के ब्रेकडाउन से बनता है CO2 और NH3, CO2 और NH3 बनता है, ठीक है। और ये CO2 NH3 आगे जाके क्या बन जाता है बच्चों, यूरिया बन जाता है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म यूरिक एसिड बनाता है और पाइरिमिडिन का मेटाबॉलिज्म अल्टीमेटली यूरिया बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब यही हुआ कि नाइट्रोजन बेस जो बेसिकली बनता है बच्चों, ये बॉडी में वेरी इंपॉर्टेंट, ये बॉडी में एब्जॉर्ब, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये एक्सक्रीट हो जाता है। एक्सक्रीट कैसे होता है, दो फॉर्म में, या तो यूरिया के फॉर्म में या तो ये यूरिक एसिड के फॉर्म में, है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप लोग में से आई थिंक किसी को पता नहीं होगा चीज, तो बच्चों ये पॉइंट याद रख लोगे। तो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म यूरिक एसिड बनाता है इंसान के अंदर, और पाइरिमिडिन का CO2 NH3 बनाता है जो कि आगे जाके यूरिया बन जाता है। चलो तो ये बच्चों हो गया, आगे देख लेते हैं कुछ कुछ मेरे को पॉइंट अगर लगता है कि तुम लोग को ऐड करवाना चाहिए तो मैं करवा देता हूँ। ओके ये सब तो आता होगा तुम लोग को, मैं खुद यार कलेक्ट करना पड़ता है, खुद मैं कलेक्ट करके लाया हूँ पॉइंट तुम लोगों के लिए, तो आई डोंट थिंक अब कुछ भी तुम लोग के लेवल का बचता है। ओके और एक दो चीज लिख लो, एक दो चीज लिख लो बच्चों, लिख लो ना कैरियर, बात करेंगे कैरियर Na+ जो बच्चों कैरियर आयंस होता है, ये क्या करता है लिखना, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। बच्चों ये एमिनो एसिड और ग्लूकोज के हेल्प में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है बच्चों, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और बच्चों देखो एक क्वेश्चन आपको बताया था मैं, क्या सपोज करो किसी का, कल भी बताया था, किसी का पैराइटल सेल किसी को ब्लॉक कर देंगे किसी दवा से, या सपोज करो किसी के अंदर गैस्ट्रेक्टोमी हो जाएगा, किसी के अंदर बच्चों पेट वाला कैंसर होगा, हम लोग पेट काट देंगे। सपोज करो किसी को एक क्लोरोहाइड्रिया हो जाएगा, एक क्लोरोहाइड्रिया का मतलब अब्सेंस ऑफ एसिल, सपोज करो उसके पेट में एसिल ही नहीं बन रहा है, अब्सेंस ऑफ एसिल है, तो इस तीनों केस में क्या होगा, इस आदमी को दिक्कत क्या होगा। देखो तीनों केस में एक ही दिक्कत होगा, क्या तीनों केस में एसिल कम बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब एसिल कम बनेगा तो क्या होगा, देखो Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट नहीं होगा, जब Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, इस आदमी को होगा आयरन डिफिशियंसी एनेमिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, अभी तक देखो दो चीज पूछ चुका है, ठीक है अगले बार क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह से घुमा फिरा के। चलो आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं, ये भी आपको आता होगा, ये भी आपसे बन ही जाएगा। ओके ना ये तो आपको बॉटनी में पढ़ाया गया होगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो बच्चों एक हार्मोन है, सॉरी जो जूस है, उसके लिए कौन सा को फैक्टर होता है, तो आंसर क्या है बच्चों Zn+2, Zn+2 इज द को फैक्टर ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों दैट इज सफिशियंट फॉर यू। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड BMR। तो BMR कितना होता है बच्चों, BMR का मतलब होता है बच्चों, लिख लो BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है बच्चों, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, मिनिमम एनर्जी या मिनिमम कैलोरी रिक्वायर्ड होता है किसके द्वारा, एक आदमी के द्वारा, क्यों, टू मेंटेन हिज लाइफ डेली प्रोसेस, अपने काम को डेली करने के लिए मिनिमम कितना कैलोरी चाहिए, दैट इज कॉल्ड BMR। तो बच्चों याद रखना BMR अभी भी कितना है, 1600 किलो कैलोरी पर डे है बच्चों, ठीक है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज आवर BMR। ओके बच्चों ये आपको आना चाहिए। बच्चों ये BMR है, इट इज नॉट BMI। BMI क्या होता है, लिखो BMI इज द बॉडी मास इंडेक्स। तो बच्चों ये बॉडी मास इंडेक्स, ये क्या होता है लिख लो, ये होता है बच्चों वेट डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर, वेट डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपको याद रखना होगा कि BMI का नॉर्मल ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है हाँ, BMI का बच्चों ये कॉन्सेप्ट होता है। तो नॉर्मल BMI कितना होता है आपको पता होगा, नॉर्मल BMI कितना होता है बताओ हम लोग का, बोलो। ये सब आपको आना चाहिए था जो मैं कि आपको लिखवा दिया हूँ, जो कि आपके नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट बच्चों लिख लो एक चीज, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो बच्चों वो कैसा है, तो लिख लो बच्चों हमारा एलिमेंट्री कैनाल है इक्टो मेजो डर्मल इन ओरिजिन, ठीक है बच्चों ये आपको याद रखना होगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट दो तीन पॉइंट और लिख लो, एलिफेंट का जो टस्क होता है बच्चों, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। एलिफेंट का टस्क क्या होता है, मॉडिफाइड इंसीजर। तो आप आदमी जो खाता है बच्चों, सॉरी हाथी खाता किससे है, खाता है बच्चों फीडिंग टीथ, क्या उसका फीडिंग टीथ उसका कैनाइन है, ठीक है हाँ कैनाइन उसका फीडिंग टीथ है, बट वो दिखाता क्या है, इंसीजर। तो इसलिए बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने को और कुछ खाने को कुछ और, तो खाने के लिए कैनाइन है और दिखाने के लिए क्या है, फिर सूर निकला होता है, वो क्या इंसीजर है। अगला लिख लो बच्चों वैलरस, वैलरस एक जानवर होता है,
वैलर्स का टस्क क्या होता है बच्चों, लिख लो, वैलर्स का टस्क इज नथिंग, इट इज ए मॉडिफाइड कैनाइन। बच्चों ये मॉडिफाइड कैनाइन है, बच्चों याद रखना होगा, इंसान के अंदर बोनोडोंट टाइप का डेंटिशन होता है। बोनोडोंट क्यों होता है लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ इनामिल एंड डेंटाइन, ऑन द बेसिस ऑफ इनामिल एंड डेंटाइन। तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको थीकोडोंट, डायफायरोंट, मोनोफायरोंट और क्या पढ़ा है, हेट्रोडोंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनामिल एंड डेंटाइन इंसान का दांत बोनोडोंट होता है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर क्या है, स्मॉल कस्व, इसके अंदर छोटे छोटे दांत होते हैं इंसान के अंदर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्मॉल कस्व बोनोडोंट। अगला बच्चों याद रखना वेल्डेयर रिंग, अगला बच्चों याद रखो वेल्डेयर रिंग। तो आपसे पूछेगा वेल्डेयर रिंग किस चीज से एसोसिएटेड रहता है बच्चों, टॉन्सिल से। तो गले में जितने टॉन्सिल्स होते हैं बच्चों, गले में जितने टॉन्सिल्स होते हैं जो बनाओगे तो एक रिंग बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड। इंसिजर्स का क्या क्या काम होता है बता दिया, इंसिजर काम होता है टीयरिंग या बाइटिंग ऑफ द फुट, टीयरिंग करने के लिए। तो बच्चों याद रखना वेल्डेयर रिंग किससे एसोसिएटेड है, आंसर देना है टॉन्सिल्स से। तो बच्चों ये आपको आ गया होगा, वेरी गुड। और मैं देख लेता हूँ जो मेरे को लगता है कि तुम लोग को छूट सकता होगा, जो कि मेरे को लगता है कि तुम लोग छोड़ सकते हो, बाकी तो तुम लोग कर ही लोगे, ऑलरेडी मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। ओके, ऑलरेडी मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है, ये भी पढ़ा दिया मैं, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया मैं, ये भी पढ़ा दिया। और बच्चों इतना जो पढ़ ही लिए हो तो दो चीज लिख लो, देयर इज समथिंग कॉल्ड बच्चों क्लोरेटिक। क्लोरेटिक क्या होता है लिख लो, क्लोरेटिक का मतलब ऐसे सब्सटेंस, बोलोगे सर आप सब कुछ लिखवा दिए, सब्सटेंस विच इंक्रीज, सब्सटेंस विच इंक्रीज बाइल सिक्रेशन, ठीक है, फ्रॉम लीवर। तो ऐसा सब्सटेंस जो लीवर से बाइल को बढ़ा दे, दैट इज कॉल्ड क्लोरेटिक्स, ठीक है बच्चों। हाँ, और अगला लिख लो बच्चों कोलागोग्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड बच्चों कोलागोग्स, लिख लो सब्सटेंस विच काउजेज। देखो इसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि डिस्कशन के टाइम खुद मैं एक्जैक्टली याद नहीं होता क्या क्या डिस्कस करना। सब्सटेंस विच काउज लिखो, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, तो वैसे सब्सटेंस जो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रेक्शन करवाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलागोग्स बोलते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ये सब क्लियर है बच्चों, चलो। तो दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू, बाकी मैंने हर कुछ डिस्कस कर लिया है। और स्टूल का कलर कैसे होता है, स्टूल का कलर बच्चों क्या होता है, स्टूल का कलर बेसिकली ब्राउनिश कलर क्यों होता है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द स्टिरकोबोलिन। बट आपसे पूछेगा स्टूल का स्मेल फॉल स्मेल क्यों होता है, तो लिखना बच्चों इट इज बिकॉज ऑफ गैस दैट इज कॉल्ड स्कैटोल। स्कैटोल क्या होता है, केमिकल नाम क्या इसका लिख लो, 3-methyl-indole। देखिए बच्चों 3-methyl-indole, अब बच्चा जो पहली बार पॉटी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखो मीकोनियम। मीकोनियम इज द फर्स्ट स्टूल ऑफ चाइल्ड, मीकोनियम इज द फर्स्ट स्टूल ऑफ चाइल्ड। तो दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू। तो अल्टीमेटली बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बिफोर द टाइम। तो कैसा रहा सेशन बिल्कुल बताओ, तो आप अब कुछ भी कर लो, आप इंडिया का गारंटी लेता हूं मैं, आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सिस्टम का कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप इंडिया का हर क्वेश्चन कर सकते हो। तो डेफिनेटली बिल्कुल बताओ कैसा रहा क्लास, और हम लोगों ने अल्टीमेटली यहाँ पर फिनिश कर लिया है। तो कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, ओके, कोई डाउट है तो बताओ। टाइम सेट कर ले, हाँ, और बच्चों लिख लेना बीएमआई का रेंज होता है, लिख लेना बीएमआई का रेंज होता है 18 से 18.5 से 25। तो 18.5 से 25 बीएमआई नॉर्मल होता है, नॉर्मल है। 25 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा, ठीक है, वेट ओवरवेट हो जाएगा, ठीक है, ओवरवेट हो जाएगा 25 से ओवरवेट, 18 से कम पतला हो गया, तो दिस इज द बीएमआई, नॉर्मल बीएमआई, ठीक है। तो कैसा रहा क्लास बिल्कुल बताओ, और कमेंट अपना जरूर दो। तो कल से हम लोग क्लास को टाइम स्विच कर रहे हैं, तो मैं बताया था आप लोगों को कि टाइम बेसिकली अपना भी पढ़ना होता है, तो कल से या तो 2 बजे रखेंगे या तो 2:30 बजे रखेंगे। तुम लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कितना बजे से रखा जाए कल से क्लास, ठीक है। कल हम लोग शुरू करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, और 90% कल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, 90% कल ही खत्म हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ गया होगा, ठीक है। चलो थैंक यू। गौरव कुछ छूटा तो नहीं ना, गौरव कुछ ऐसा लग रहा है छूट गया जो तुमको चाहिए कि और बताए, किसी को लग रहा है छूट गया तो बताओ, कुछ भी तुम और पढ़ना चाहते हो तो मैं बताऊंगा, ठीक है, तुम लोग की अगर इच्छा है तो पूछो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों दिस इज द कॉन्सेप्ट, तो 2 या 2:30 एक टाइम टेबल फिक्स कर लो, जो भी बोलोगे वो कर देंगे हम लोग। दोपहर वाला रखेंगे क्योंकि दोपहर का टाइम वेस्ट हो जाता है, मेरा भी वेस्ट होता है, तुम्हारा भी वेस्ट होता है, तो हम लोग क्यों ना इसको यूज कर ले, ठीक है। तो दिस इज द अवर टारगेट, तो आप लोग बताओ 2 बजे 2:30 बजे कितने बजे रखा जाए, और कैसा रहा क्लास बिल्कुल फीडबैक जरूर दो, ठीक है, फीडबैक जरूर दो। हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट किया, ईमानदारी से कंप्लीट किया, कुछ छोड़ा नहीं मैंने, ठीक है, तो आपको ईमानदारी से जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का। तो जो भी पॉइंट्स मिस लेने से जो मेरे से अक्सर छूट जाता था डिस्कशन में, वो मैं आपका लिखवा दिया हूँ, कंपाइल करके लिखवा दिया हूँ। अब आपसे कोई क्वेश्चन नीट का नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नीट का आपसे नहीं छूटना चाहिए, मैं खुद लिख के लाया था और मैं हर चीज कवर किया हूँ, ठीक है। तो 2:30 2:30 बोल रहे हैं, तो सबके यहाँ खाना हुआ ना, तो आई थिंक 1:30 बजे बन जाता होगा, जल्दी बोलो बाकी बच्चे भी, दो 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 इतने लोग।
और फीडबैक भी जरूर देना क्लास का, ठीक है? ऑसम, टेस्ट देने हैं सर 2 से 5। ओ टेस्ट देते हो 2 दिन, अच्छा। स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखे थे क्या गौरव, या पहले से प्लान था तुम्हारा कि 2 टेस्ट देना अभी तुम्हें? तो पॉइंट सही है इसका, टेस्ट वाला बात तो सही बोल रही है। 2 टेस्ट, कुछ बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, सोचो पहले तुम लोग, देखते हैं। और बताओ, टेस्ट देते हो, सही बात है, 2 दिन टेस्ट देते हो ना, तो टेस्ट का टाइम वो होता है। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। तो टाइमिंग का बताओ, कुछ लोचा है थोड़ा सा? देखो मेरे अकॉर्डिंग दोपहर वाला टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे लोग बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है? टेस्ट दो, मना नहीं कर रहे हैं, अच्छा पहले से ही प्लान था, ठीक है? टेस्ट दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट देखो मेरे अकॉर्डिंग के टाइम ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि शाम वाले में क्या होता है, अगर हम भी क्लास ले लेंगे तो हम थक जाते हैं इन पर, ठीक है? और वीडियो भी देखे थे, चलो ठीक है, वीडियो भी देखे थे, तो 2 दिन लाइव नहीं देखेंगे। अच्छा, यूट्यूब ही है, देख लो, डिसाइड कर लो, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग देखो, टेस्ट जब देना हो तो बताना गौरव, ठीक, डिसाइड करेंगे, ठीक है? टेस्ट को तुम आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हो, बट थोड़ा वही है, या क्लास को तुम बाद में देख सकते हो, लाइव क्लास को, ठीक है? अगर तुम 2 दिन टेस्ट देते हो तो खैर, लेकिन लाइव क्लास ज्यादा अटेंड करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है? तो कितना रखे, 2 रखे या 2.5 रखे, समझ में नहीं आ रहा है, 2 रखा जाए या 2.5 रखे, ठीक है? चलो 2 ही रखते हैं, ठीक है? 2 रखते हैं, ठीक है? तो कल से क्लास 2 बजे होगी, ठीक है? तो कल हम लोग 2 बजे शुरू करेंगे। सर्कुलर गौरव, कोई दिक्कत नहीं, कॉपरेट थोड़ा सा कर लो, ठीक है? हम लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है? बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अगेंस्ट हम जाके कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे जिम्मेदारी है मेरे ऊपर भी, तो हम लोग 2 बजे से रखते हैं। तो कल से टाइमिंग हम लोग चेंज कर लिए हैं, 2 PM वाला शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? 2 से 4 रखेंगे, और कल हम लोग शुरू करेंगे सर्कुलर सिस्टम, सब पढ़ के आना थोड़ा बहुत, और कल हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ठीक है? 2 दिन बाद में देख लेना, थोड़ा कॉपरेट करो तुम भी, ठीक है बच्चों? दिस इज मी साइनिंग ऑफ, चलो हम लोग एंड करते हैं क्लास को। डाइस सिस्टम आई थिंक अच्छा लगा होगा, करना बाबू, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट में अकेले 3 क्वेश्चन देने वाला ही चैप्टर है, पूरे का पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंडोक्राइन सिस्टम और डाइस सिस्टम, ये 2 चैप्टर से 3 3 क्वेश्चन आते हैं, बाकी से 2 2 आते हैं, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको आना चाहिए। चलो ठीक है, तो मैं क्लास एंड करता हूँ, तो गिव अ थम्स अप, लाइक कर देना अगर क्लास अच्छा लगा होगा, बाकी अपन लोग कल मिलते हैं, चलो।